नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर सबको आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में कभी भी उदास मत होना दुखी मत होना समस्याएं आती जाती रहेंगी ऑलवेज ऑलवेज चैलेंजेस के चेहरे बदल जाते हैं वक्त के साथ आपकी उम्र बढ़ेगी अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते चले जाएंगे लेकिन जीवन भर आएंगे बट इसकी वजह से आप अपने चेहरे की हंसी को कम मत कर लीजिएगा ठीक है और मुझे बताओ ऑडियो वीडियो शानदार आ रहा है या नहीं एंड उसके बाद फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ मन में बात थी सुबह सुबह आपको शेयर करने के लिए तो मैंने कहा चलो कर देते हैं और अब आ जाते हैं यहाँ पर आकर ऑल क्लियर दैट्स ग्रेट मानसी आइए लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां से अपनी बात करी थी कि टैक्स क्या है पहली क्लास थी ना इसलिए टैक्स क्या है कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह का आपका ये होता है सीधे कम, कमर सीधी फिर हमने देखा यहां पर आकर कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है तो जिस भी स्टेट या कंट्री में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रहे होते हैं वहां पर जाकर वहां की सरकार को ही टैक्सेस कलेक्ट और अपने पास रखने का राइट right होता है जनरल डिस्कशन हुआ जनरल चार्ट के अंदर इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि नौ तरह की होती है एक्सपोर्ट किया तो कोई इंडियन टैक्स नहीं लगता हाँ चुनिंदा आर्टिकल्स के ऊपर कुछ एक छुटपुट छुटपुट टाइप के टैक्सेस लगाए जा सकते हैं अदरवाइज नहीं यानी कि उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में हम बोलकर चलते हैं बैकग्राउंड ऑफ कस्टम लॉ देखी थी अंग्रेजों के जमाने से था पहले अलग अलग नाम से एक्ट हुआ करते थे बट एज ऑफ नाउ कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के रूप में आपके सामने आ जाते हैं दोनों में अपने अपने लीगल प्रोविजंस की बात करी गई कि भाई कस्टम एक्ट सिक्सटी के अंदर तो जितने भी प्रकार के लीगल कंटेंट हैं अपील डिमांड रिफंड लेवी कलेक्शन ये वो जितना सब कुछ है यहाँ भरा हुआ है कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर रेट्स की चर्चा करी जाती है फिर देखा ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम लॉ का इकोनॉमी को मैनेज करना या आसान भाषा में बोलूँ तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गुड्स के बीच में एक पैरिटी मेंटेन करना बाई इम्पोजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फिर देखा मोड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो वैसल के माध्यम से किया जाता है इसलिए हमारा और लॉमेकर दोनों का झुकाव वैसल की तरफ ज़्यादा रहेगा चार्ट नंबर दो में आ गए थे दूरियां नापी थी कि भाई जो बेस लाइन है हमारी वहाँ से बारह नोटिकल माइल तक तो अपना ये आपका इंडियन टेरिटोरियल वाटर है टी डब्लू आई ऑफ इंडिया एंड जीरो से लेकर जहाँ दो सौ पूरे होते हैं वहाँ निशान लगा दीजिए और टी डब्लू आई के बियड चले जाइए एक सौ अट्ठासी नोटिकल माइल तक यानी कि मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ दिस एरिया इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बॉटम में अगर इसको देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ठीक है अच्छा जी यहाँ पर जो भी आ, रिक्स होते हैं उनको डीम्ड इंडिया कहा जाता है और अकॉर्डिंगली कस्टम्स के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं <coughs> कुछ चार्ट्स की बात हुई यहां पर आकर और कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने देखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर है लेना मैंडेटरी होता है अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर यहीं से एफओबी और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट बने एफ़ ओ बी में अगर मैं इम्पोर्ट के केस में बात करता हूँ तो एक्सपोर्टर को अपने वहाँ जहाज में लोड करके जाना होता है यहीं तक उसकी ज़िम्मेदारी होती है सी आई एफ़ में उसे गुड्स छोड़ना होता है डेस्टिनेशन पोर्ट तक लेकिन अनलोडिंग उसका काम नहीं होता है एफ़ ओ बी और सी आई एफ के अंदर दोनों में कॉमन ये है कि गुड्स लोडेड फॉर्म में ही हैं वहाँ तक के खर्चे लिए जा रहे हैं और अंतर ये है कि एफ़ ओ बी में ये ऑरिजिन पोर्ट होता है सी आई एफ में ये डेस्टिनेशन पोर्ट होता है बस इतना अंतर है एक्सपोर्ट बेनिफिट्स की बात करी बिल्टी देखा डिलीवरी एश्योरेंस का एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्टी इंटरनेशनल ट्रेड में इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बिल ऑफ लीडिंग के नाम से जानते हैं या एयरवे बिल के नाम से जानते हैं या फिर डिलीवरी ऑर्डर के नाम से जाना जाता है साहब उसके बाद आगे बढ़े एंड आगे बढ़ के हमने देखा कि यहां इस पूरी मूवी में पांच लोग हैं कौन कौन से जरा भाई साहब इधर आंखें खोलो मेरे लाल आंखें खोलो इधर आ जाओ और आप नहाए हो या नहीं नहाए हो हा? अगर नहीं नहाए हो ना तो कल से नहाकर बैठना सड़ियल बनकर मत बैठना जब सड़ियल बनकर बैठते हैं तो दिमाग के दरवाजे ठीक से खुलते नहीं हैं ठीक है, है? हाँ तो सी आई एफ सी की फुल फॉर्म है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट आई का मतलब इंश्योरेंस और फ्रेट जो रास्ते का होता है यानी एफ के अंदर मैं समुद्री समुद्री इंश्योरेंस और समुद्री फ्रेट ऐड कर देता हूं तो वही बन जाती है मेरी सी वैल्यू ठीक तो पांच पर्सन का यहां पर रोल है पहला था पर्सन इंचार्ज जो कि मास्टर ऑफ द वेसल होता है दूसरा व्यक्ति है यहां पर वेयरहाउस कीपर तीसरा होता है यहाँ कस्टोडियन आदमी और चौथा होता है इसमें आपका ये जो कस्टम अधिकारी होता है वैसे करके और एक अपना इम्पोटर हो जाता है आप पाएंगे कि पूरी की पूरी ये जो कहानी है हमारी इन्हीं पांच व्यक्तियों के आसपास घूमती रहेगी और हम यही प्रोसीजरल बात अपनी करते रहेंगे फिर आगे हमने देखा कि इंडिया से इंडिया तक लाने में कौन कौन से सेक्शंस का सहयोग लेना पड़ता है सेक्शन ट्वेंटी हमारे सामने आया था उसने कहा अरे इधर उसने कहा था कि भाई आना है तो यहीं आना है कहीं और नहीं जाना है कहीं और आपने नहीं जाना है हाँ मौसम ख़राब है कोई समस्या है तो ज़रूर यहाँ वहाँ चले जाना लेकिन वहाँ आपको ना तो कोई अनलोडिंग करनी है और ना ही पैसेंजर विसिनिटी से नियर बाई एरिया से बाहर जाएंगे जब तक कि वहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी ना आ जाए लेकिन इन बिटवीन <coughs> <coughs> अगर जान माल का खर्चा है तो आप वहाँ से भाग जाइएगा ऐसा सेक्शन ट्वेंटी नाइन ने बोला था सेक्शन थर्टी कहता है कि भाई आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट नाम का डॉक्यूमेंट देना होगा आने से पहले। व्हीकल का मामला है तो आने के बारह घंटे के अंदर अंदर देना होता है यह ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहायता देता है उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका अनलोडिंग परमिशन मेरा नंबर कब आएगा ऐसा नहीं कहीं पर भी कैसे भी अनलोडिंग शुरू हो जाए नहीं जब अनलोडिंग हो रही होती है तो सिर्फ उतना ही गुड्स अनलोड हो सकता है जितना कि आपने एडवांस में इनपुट मैनिफेस्ट के अंदर बताया है और वही गुड्स अनलोड होगा उतनी ही क्वांटिटी क्वालिटी सफेदी और झाग में इस बात के कंप्लायंस के लिए कस्टम अधिकारी सेक्शन 34 के मुताबिक वहां पर मौजूद होगा और अनलोडिंग जो हो रही होगी वो अप्रूव्ड प्लेस पर ही हो रही होगी किसी ऐरी गहरी जगह पर नहीं हो रही होगी समझ म रही बात हाँ बोलो हाँ उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर हमें अपना गुड़ छुड़ा के लाना हो तो हम कैसे कैसे करके ला सकते हैं उसके लिए इंपोर्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू फाइल अ बिल ऑफ एंट्री कौन से वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट का नाम होता है डब्ल्यू 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 डॉट आइस गेट डॉट जी ओ वी डॉट इन करके ये मुख्य वेबसाइट होती है जितने भी आईलिंग फाइलिंग पेमेंट शेमेंट है सब यहीं पर किया जाता है आइस गेट आइसबर्ग नहीं आइस गेट डॉट डॉट इन पर जाकर यहां सारे कागज पत्र आप फाइल कर दोगे जितने भी आपकी सेल्फ असेस्ड ड्यूटी बनती है उसका पेमेंट आपको यहीं पर करना होता है तुरंत पेमेंट करने के बाद यह कस्टम अधिकारी के पास कस्टम ऑफिसर बैक एंड से आइस गेट पर जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की उसको चेक करेगा उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो ओके नहीं तो फिर अगर उसने रीअसेसमेंट कर दिया है तो जो भी एडिशनल ड्यूटी बनती है आपको वन वर्किंग डे के अंदर जमा करनी होती है ऑफिसर यह भी चेक करेगा कि आपने बाकी व्यक्तियों के ड्यूज का पेमेंट कर दिया है कि नहीं किया है ट्रांसपोर्टर का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है कस्टोडियन का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब देखा जाएगा सारी एनओसीज जा आ जाने के बाद में वो आपको यहां पर एक क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर देता है उस क्लियरेंस ऑर्डर को लेकर आप वहां से एक स्टूडेंट से अपने गुड्स को लेकर अपने घर पर आ जाइएगा आपका बहुत बहुत स्वागत है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर तो था अपने को वहां से करा के अब यहां पर हम बता रहे हैं आपको वेर हाउस कीपर भी एक मुख्य कलाकार है तो अब हम आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा मैं रफ वर्क आपके लिए यहां पर करके चल रहा हूं हल्का सा <laughs> रफ वर्क है पूछ रहा हूं मैं आपसे आप, आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो उसको ठीक है हां सर ठीक है और रफ वर्क के अंदर बात कुछ ऐसी है कि अभी हम ये करने जा रहे हैं कि भाई पहले इस के अंदर तो हमारा जो गुड्स है इंडिया के बाहर से इंडिया में यहां पर आ गया है धड़ाम से ठीक ये हमारा घर होता है जी तो यहां से यहां तक लाना तो सीख गए कि सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है जो क्लियरेंस ऑर्डर बना था वो सेक्शन फोर्टी सेवन वन में बना था अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो गुड्स है वो डायरेक्ट ना आएगा मुन्ना न, न न न मेरे कबूतर वो पहले इधे जाएगा वेयरहाउस में कस्टम वाले में और फिर कस्टम वेयरहाउस से वो इधर आएगा इसे बोल देते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस ऑफ गुड्स पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस यही है आखिर क्यों क्यों करते हैं ऐसा क्यों ले जाते हैं वेयर हाउस में गुड्स को क्या वजह रही होती है पहली बात एक और समझिएगा गहरी बात बोल रहा हूं आपसे जब तक कोई इंपोर्ट ड्यूटी की डिमांड नहीं कर सकता जब तक गुड्स कस्टम के कंट्रोल में है जैसे ही गुड्स कस्टम के कंट्रोल से बाहर निकलता है आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा मैं यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं <coughs> ये डाल दी मैंने लाइन ऐसे करके ठीक है और आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे इसे मैं बोल रहा हूं यहां पर नॉर्थ पोल और ये है मालिक साउथ पोल आगे से हमेशा याद रखना मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बैरियर किस चीज का है <coughs> ये है यहां पर आपका कस्टम कंट्रोल नॉर्थ पोल कस्टम का एरिया है एरिया वैसे डॉगी के होते हैं ऐसा बोला गया है मूवी में द शिवा शेर का कोई एरिया नहीं होता वो जहां जाता है वही इसका एरिया बन जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवत भारत जब तक गुड्स इसका मतलब है जब तक गुड्स कस्टम कंट्रोल में रहेगा तब तक तो कोई ड्यूटी की डिमांड नहीं कर सकता द मूमेंट इसने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मुंह निकाला तुरंत दबोच लिया जाएगा कि आजा मेरे राजा और वहीं पर इसे ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा यह जो वेयरहाउस है यह कौन सा वेयरहाउस है आपका मेरा नहीं है ये कस्टम बॉन्डेड हाउस है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस है ये वो वेयरहाउस है जिस पर कस्टम डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है हा इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और मे बी ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आल्सो आपका भी हो सकता है वेयर वेयरहाउस आपके पास प्रमाइस था बिल्डिंग थी आपने कस्टम डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस ले लिया इस हाउस के ओनर भले ही आप हैं लेकिन कंट्रोल कंट्रोल रहेगा इस पर कस्टम डिपार्टमेंट का लोकेशन इसकी अभी तक दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा है कि ये कस्टम पोर्ट के ऊपर ही ये स्थित होगा वहीं सिचुएटेड होगा पर इट इज नॉट यार कि ये उसी पॉइंट पर लोकेट है हाँ हो सकता है होते भी हैं बट ये उसके बियॉन्ड भी हो सकता है लेकिन भले ही इसके बियॉन्ड हो लेकिन आएगा ये नॉर्थ पोल में ही आएगा कस्टम कंट्रोल में ही इंडियन ऑयल ने क्या करवा रखा है अपने ही प्रमाइसिस के अंदर जयपुर डिपो के अंदर दो तेल के कुएं हैं अपना क्रूड पेट्रोलियम उनके अंदर आता है पाइपलाइन के जरिए आता है और उन दोनों जो तेल के कुएं हैं उन दोनों का कस्टम डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले रखा है कस्टम कंट्रोल में हो सर इसका फायदा क्या मिला फायदा यह मिल गया कि अगर वो कस्टम कंट्रोल में है दोनों के दोनों तेल के कुएं तो जब गुड्स जब तक वहां रहेगा उसके अंदर रहेगा कोई ड्यूटी की डिमांड नहीं कर सकता जैसे ही तेल के कुएं से तेल बाहर आएगा उस वक्त ड्यूटी की डिमांड करी जाएगी यहां पर भी आप मान लीजिए सौ यूनिट लेकर आ रहे हैं इस वेयर हाउस के अंदर डाल दिए तो जब यहां से पोर्ट से वेयर हाउस जाएगा कोई ड्यूटी की डिमांड नहीं होगी वेयर हाउस जब यहां पर आएगा तो ड्यूटी की डिमांड करी जाएगी लो आपने तीन बार में निकाला दस एक बार में निकाले बीस एक बार में निकाले और सत्तर एक बार में निकाले तीन बार में आपने गुड्स निकाला है कोई बात नहीं जब जितना निकाला आपको उतने पर इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा राइट तो इसलिए इंडियन ऑयल क्या करता है क्रूड पेट्रोलियम में तो उसका पैसा फंस चुका है ब्लॉक हो गया वो तो संख कॉस्ट हो गई है लेकिन अब अब वो और इंपोर्ट ड्यूटी क्यों अगर उन तेल के कुओं को वो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में कन्वर्ट नहीं कराता तो वहां तेल गिरते उसे इमीडिएटली सारे सारे के सारे के ऑयल ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाता उसकी वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आ सकती थी इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भैया अभी से यहां पर रखो जब नीड होगी तो निकाल के चलेंगे कॉस्टिंग में पढ़ते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कभी कभी एक साल भर का लॉट एक साथ मंगा लेते हैं जरूरत तो अकॉर्डिंगली ओवर द पीरियड पड़ेगी ना तो जो हमने गुड्स इतना सारा मंगा लिया उसमें कॉस्ट तो हमारी फंस गई ना कॉस्ट फंस जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई कम से कम वर्किंग कैपिटल हमारी बनी रहे तो थोड़ा कम उसमें पैसा फंसे तो हम कस्टम बॉन्डेड हाउस के अंदर दे डलवा देते हैं उसे और नीड बेस्ड वहां से बाहर निकालते हैं ठीक इस तरह से लोग कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस की सुविधाओं का लाभ लेकर चलते हैं तो ये सरकारी हो सकते हैं प्राइवेट हो सकते हैं ये प्रमाइसिस पोर्ट के ऊपर हो सकते हैं पोर्ट के बियॉन्ड हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बात हमेशा कॉमन रहेगी कि ये कस्टम कंट्रोल में रहते हैं जब तक गुड्स इसके अंदर रहेगा कोई ड्यूटी की डिमांड नहीं होगी जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा हाउस से ड्यूटी लगवा दी जाएगी कुछ ट्रेडर लोग भी हाउसिंग की फैसिलिटी को लेकर चलते हैं वो कैसे वो इसलिए <स्या> <k Cambridge> कि मान लीजिए मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है अमेरिका से इंपोर्ट करता हूं श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर देता हूं या नेपाल को एक्सपोर्ट कर देता हूं या भूटान को एक्सपोर्ट कर देता हूं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि यहां से यहां पर लेकर आया यहां से यहां छुड़ा लिया और मान लीजिए सौ रुपए की ड्यूटी वो भर के आता है और छुड़ाने के बाद ड्यूटी भरने के बाद फिर उसे वो यहां पर एक्सपोर्ट करता है तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सपोर्ट पर कोई टैक्सेस की बात नहीं होगी जो भी इंपोर्ट ड्यूटी उसने भरी है इसका यहां पर रिफंड इसे दे दिया जाएगा जिसे बुलाते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से हम जानते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक लेकिन ये मिलता है सिर्फ 98% परसेंट दो परसेंट कट जाता है प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए तो सौ रुपए का 98% परसेंट हो गया 98 एट रुपीज ही मिलेंगे दो रुपए का यहां आपको घाटा होने वाला है लेकिन अगर आप इसे क्लियर ना करा के सीधे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर देते बायर का वेट करते वहां गुड्स को रख के और बायर मिलने पर डायरेक्ट आप वेयरहाउस श्रीलंका भेजते तो ऐसे में आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना नहीं नहीं होता पेमेंट ही नहीं करना और किसी महापुरुष ने कहा है कि पैसे का ना जाना भी पैसे के आने के बराबर ही होता बात बिल्कुल ठीक है तो आपको सौ रुपए नहीं देने पड़े वो आपकी जेब में ही बच गए तो कंप्लीट बेनिफिट आपको सौ रुपए का यहां होता है तो वेयरहाउसिंग के थ्रू जाते हैं तो जो दो रुपए हो जाए करते तो नुकसान नहीं होगा जबकि तो इस इस रोल इसमें आ जाता है उसका काम यही होता है कि जो गुड्स कस्टम्स ने इसको सौंपा है उसकी ठीक से चौकीदारी करे देखभाल करे संभाल के चले अपना किराया लेके चले एंड ऑल जो इंपोर्टर का माल इसमें रखा हुआ है उसे पीरियडिकली रेंट जमा करना होता है क्या पीरियोडिकली रेंट जमा करना होता है डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट मंथली फ्रीक्वेंसी है या फिर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है और जब अपना गुड्स यहां से फाइनली छुड़ाता है वो निकाल कर ले जाता है तो जो भी बैलेंस अमाउंट है उसे यहां पे जमा करना पड़ेगा जो भी उसका बैलेंस ड्यू हो रखा है जब तक वेयरहाउस कीपर एनओसी नहीं देगा कस्टम अधिकारी इस बॉन्डेड वेयरहाउस से गुड्स को उठाने की परमिशन नहीं देगा ठीक तो सारा कुछ क्लियर होने के बाद ही यहां से आपका गुड्स निकाला जा सकता है तो यह है आपका वेयरहाउस का कंसेप्ट और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि यह नॉर्थ पोल में होता है और जब तक यहाँ रहेगा गुड्स ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी आई होप ये बात आप समझ गए होंगे तो यहां पर सारी बात बता रखी है मैंने कस्टोडियन यहां ये यह, यहां ये यहां यह, हाउस कीपर <coughs> बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन से आप घर ले जाते हैं आप यहाँ से गुड्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं श्रीलंका के लिए दैट्स ग्रेट और ऐसे में जब से डायरेक्ट ले जाते हैं तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी आपको भरनी नहीं होती है लोकेशन ऑफ वेयरहाउस बता रखी है पोर्ट पर हो सकता है या उससे दूर हो सकता है टाइप ऑफ वेयरहाउस पब्लिक हो सकता है प्राइवेट हो सकता है जैसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सी डब्ल्यू सी बहुत सारे आपने देखा हुआ लिखा हुआ बहुत जगह सी डब्ल्यू सी और प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस्ड वेयर हाउस होता है जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है अंडरग्राउंड इन्होंने बना रखे हैं तो जब यहां पर गुड्स आता है तो उस समय ड्यूटी की बात नहीं होती है एंड जब रिमूवल होगा तो ड्यूटी की बात करी जाएगी वाई टू वेयर हाउस लिक्विडिटी का इश्यू आपके पास हो सकता है आपने गुड्स इंपोर्ट तो कर लिए लेकिन छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है तो फॉर द टाइमिंग अपने गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखवा दीजिए जब आपके पास में पैसे आ जाएंगे तो उन्हें छुड़ा कर ले आना शिप आपका जो शिपमेंट था जल्दी आ गया आपको गुड्स की नीट थी चार महीने बाद लेकिन आपका जो जहाज था थो थोड़ा तेजी में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसको फॉर द टाइमिंग आप अपने गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवा सकते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट no को एक बार आपने रख उसमें रखवाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह कि अभी आपको ड्यूटी नहीं भरनी ड्यूटी तभी भरनी होगी जब वहां से बाहर निकलेगा या आपके पास स्पेस का इश्यू था जगह नहीं थी आपके पास रखने के लिए तो आप इसका यहां पर इस्तेमाल मालिक कर सकते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक मुझे बताइए यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई रेंट एग्रीमेंट कब किया जाता है सर रेंट एग्रीमेंट जब आप इसे डिपॉजिट कर रहे होते हो ना उसी वक्त यहां पर करना होता है एट दैट टाइम ही हम इसमें बात करके चलते हैं ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है ओके <coughs> <Okay. coughs> अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो तो कैसा किया जाएगा कि पहला हमारा गुड्स इंडिया के बाहर से यहां तक ऐसे करके आएगा ये तो आई जाता है और यहां आने पर हम इधर से जाएंगे और अपने गुड्स को पहले वेर हाउस में रखवा के आएंगे और रखवा के आने के बाद फिर नेक्स्ट अगली बार फिर जाना होगा और फिर अपने गुड्स को वहां से छुड़ा के लाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि इस बार आपको चक्कर एक नहीं दो लगाने हैं क्लियर है पॉइंट हाँ जब पहला चक्कर लगाने के लिए जाते हो तो उसे हम

इनके वक्त नहीं कराना जब एग्जिट करेगा तो ड्यूटी का पेमेंट कराना है करेक्ट जब इन कराएगा तो सरकार को पता है कि आपको भविष्य में फ्यूचर में इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना है ठीक उनको पता है कि आपको यहां पर लाइक वेयर हाउस वाले का भी किराया देना है और भी कई सारे ड्यूज का पेमेंट आपने करना है तो इसलिए सरकार आपसे यहां पर कुछ बॉन्ड लेकर चलती है एक बैंक गारंटी लेकर चलती है क्या आपको पता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है और कई बार ऐसा हुआ है कि एक किसान अपने आलू कोल्ड स्टोर में रखता है और जब बाहर निकालने की बारी आती है तो उस वक्त आलू का भाव बाजार में इतना गिर चुका होता है इतना गिर चुका होता है कि पूरा आलू बेचकर भी वो हाउस यानी कोल्ड स्टोरेज का किराया चुका नहीं पाता है क्या आपने कभी सुना है ऐसा तो उसमें किसान क्या करते हैं अपना आलू छोड़ाते नहीं वो हाउस में ही सड़ जाता है कोल्ड स्टोरेज में ही सड़ जाता है किराया तक नहीं चुका पाते वो जी सर तो ऐसे में ऐसी घटना सरकार के साथ ना हो जाए सरकार भरी चालू है यार अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देगी बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा नहीं होगी सरकार सेफर साइड पर नहीं ऐसा कभी नहीं होगा वो कह रही देख यार माना कि तेरा गुड्स रखा है लेकिन देख अभी तुझे तो भविष्य में बहुत सारे ड्यूज भरने हैं इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है किराया भरना है कुछ उल्टा पुलटा कर दिया गड़बड़ होगी तो पेनल्टी शेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है तो तू हमें पहले से कुछ बैंक गारंटी दे दे अपना कुछ गिरवी रखना बैंक के पास में और बैंक वहां से एक बैंक गारंटी बनाकर दे देगा और फिर तू अंडरटेकिंग दे देना दे कि ठीक है भाई मैं ऐसे से अगर वराय ना पे कर पाऊं तो या मैं ड्यूटी पे ना कर पाऊं तो आप मेरे बैंक गारंटी को इनकैश कर लेना इसको सिंगल वर्ड में बोल देते हैं बॉन्ड बॉन्ड एग्जीक्यूट करना बॉन्ड कितना लिया जाए इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर का मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी अगर आपकी टेन थाउजेंड की है तो बॉन्ड थोड़ा ज्यादा वैल्यू कर लूं या कम वैल्यू कर लू जवाब देते रहिएगा फाइनल वाले बच्चे ना जवाब कम देते हैं आप ऐसे मत बनना ठीक है इंटर वाले तो रोकने पड़ते हैं रुक रुक जा जा भाई फाइनल वाले बोलते नहीं नहीं मेरे बच्चा कोई बात जिंदगी में इतना सीरियस भी मत बनना यार कि आप आप ही बदल जाओ कहीं तो यहां पर बॉन्ड <coughs> जो जाएगा वो इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर नहीं ज्यादा जाएगा क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है किराया है इंटरेस्ट है बहुत सारी चीज़ अगड़म झगड़म है तो ऐसे में कहा कि भाई बॉन्ड की वैल्यू होगी इम्पोर्ट ड्यूटी के तीन गुने के बराबर अगर दस हजार की इंपोर्ट ड्यूटी बनती है तो तीस हजार का यहां पर आपको बॉन्ड देना पड़ेगा ठीक यस सर अब तो जब पहले स्टेप में आप जा रहे होते हैं तो यहां पर गुड्स को इन के वक्त आपको बॉन्ड देना होता है और आउट के वक्त आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होती है बात हमेशा ध्यान रहेगी हाँ सर तो इसे बॉन्डिंग बोलते हैं जब जमा कराया तो बॉन्डिंग बोल देते हैं और जब निकालते हैं तो इंपोर्टी भरी तो आपका आपको बॉन्डिंग तो के, के लिए जाएंगे ठीक अच्छा जी चलो बताओ खुद से बताइए मैं तो दिखाई दूंगा जब यहां से यहां पर जाएंगे सबसे पहला हमारा काम ही होगा बॉन्डिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करनी होगी विद कस्टम डिपार्टमेंट एग्रीड ना आंखें खोल के रखना बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी इस बार कलर हालांकि अलग अलग होते हैं पिछले वाले केस में जब गुड्स को घर लेकर आ रहे थे तो वहां बिल ऑफ एंट्री का कलर वाइट था अभी चूंकि हम अपनी बिल ऑफ एंट्री कुछ गुड्स को घर लाने के लिए नहीं बल्कि हाउस में पहुंचाने के लिए फाइल कर रहे हैं तो यहां पर बिल ऑफ एंट्री का कलर हो जाता है येल्लो क्या येल्लो हो जाता है पीला पड़ जाता है जैसे ज्वाइंट में व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है वेयर हाउस भी अक्सर देखा होगा पीले पीले रंग के उन पर पेंट हो रखा होता है नॉर्मली <laughs> इस वक्त इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं भरनी है लेकिन हाँ कस्टोडियन के ड्यूज अभी भरने पड़ेंगे कि नहीं हाँ सर वो तो अडानी चलाता है उसे तो प्राइवेट लोग होते कंपनी चलाती हैं लेबर को पेमेंट करनी है तो वो सारा कुछ तो पे करना पड़ेगा बस इंपोर्ट ड्यूटी ना भरनी वो जो ट्रांसपोर्टर था वैसल में जिस आपका भाड़ा आया था मान लो एफ ओ बी कॉन्ट्रैक्ट था आपने ही उसका फ्रेट पे करना है तो पहले वो फ्रेट भी पे करना पड़ेगा सारे काम करने पड़ेंगे एक्सेप्ट इम्पोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी की जगह बॉन्ड आपको भरना पड़ता है इंपोर्ट ड्यूटी के तीन गुने वैल्यू का उसके बाद सब कुछ ओके है तो फिर यहां पर कस्टम अधिकारी एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें लिखा होगा कि हे hey, कस्टोडियन इस गुड्स को कस्टम वेयर हाउस में पहुंचा दिया जाए तो गुड्स पोर्ट से उठकर कस्टम वेयर हाउस में पहुंच जाता है बट रिमेंबर गुड्स अभी भी नॉर्थ पोल में है जो मूवमेंट हुआ है वो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल में ही हुआ है कस्टम कंट्रोल में तभी भी था और अभी भी कस्टम कंट्रोल में ही है इसलिए ड्यूटी की बात नहीं होगी और गुड्स को वेयर हाउस में रखवा कर वह व्यक्ति यहां से वापस लौट जाता है मैच्योरिटी पर जो कि पहले से डिसाइडेड होती है मैच्योरिटी पर वो आएगा और फिर से एक बार बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा जितने भी यूनिट उसे छुड़ानी है वहां से सारी तो सारी आधी तो आधी वट जो भी यूनिट छुड़ानी है उनकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा अकॉर्डिंगली उनकी जो ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी पहले से जमा करेगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आइस गेट की वेबसाइट पर जाकर अधिकारी चेक करेगा <coughs> सब कुछ ओके okay है तो कस्टोडियन को ये कस्टोडियन को बोलेगा नहीं इस बार गुड्स आपका वेयर हाउस कीपर के पास में है तो इस बार उस ऑर्डर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन वेयर हाउस कीपर को होंगे कि व्यक्ति आ रहा है और उसको गुड्स यहां से रिलीज कर दिया जाए लेकिन ये ऑर्डर पास करने से पहले कस्टम अधिकारी वेयर हाउस कीपर से संपर्क करेगा क्या आपका सारा किराया आ चुका है हां मतलब उससे एनओसी ली जाएगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि सब कुछ ओके okay है ना कि हाँ जी ओके okay है अगर ओके okay है तो क्लियरेंस ऑर्डर बनेगा और व्यक्ति वेरहाउस से अपने गुड्स को लेकर चला जाएगा तो यहां पर चक्कर लगे दो और नए की चीज क्या आई कि वेयरहाउस में इनके समय ड्यूटी नहीं बॉन्ड जा रहा है ड्यूटी पेमेंट आउट के समय किया जा रहा है देखिए सारी बात लिखी हुई है यहां पर आकर हम जरा इनको नंबरिंग कर देते हैं पहले स्टेप पर जरा लिखे स्टेप नंबर ए करके फाइल एप्लीकेशन दैट इज वैल्यू एक लाख रुपए की हो गई बिल ऑफ एंट्री यहां अंडर सेक्शन 46 सिक्स फॉर वेयर हाउसिंग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप यहां का फाइल कर देते हैं बॉन्ड दिया यानी कि अंडरटेकिंग दी है बैंक गारंटी दी है इम्पोर्ट ड्यूटी के तीन गुने वैल्यू की यहां आपने दी है दस की ड्यूटी बंद थी तो तीस रुपए का आपने यहां पर सब कर दिया होगा बॉन्ड डाल दिया होगा मालिक ठीक उसके बाद यहां आपको पोर्ट ड्यूज वगैरह जो है उनका पेमेंट करना पड़ेगा वेरीफाई किया जाएगा आपके बॉन्ड वगैरह को ए बी सी यहां से क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा और ट्रांसफर कर देंगे गुड्स को वेयर हाउस के अंदर जाकर और यह डी वन ट्रांसफर ट्रांसफर टू वेयर हाउस गुड्स को हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद यह व्यक्ति लौट के अपने घर वापस आ जाएगा फिर अगेन यह व्यक्ति जाएगा बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा बोलता है ऑन मैच्योरिटी इंपोर्टर फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68 में जाकर पेमेंट करेगा इंपोर्ट ड्यूटी का बैलेंस जो कुछ वेयर हाउसिंग चार्जेस है उनको पे किया जाएगा और फिर इसे यहां पर एक क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा और गुड्स की डिलीवरी लेकर अपने घर आ जाएगा तो पहले चक्कर में फर्स्ट राउंड में क्या किया सबसे अहम बात यह है फर्स्ट राउंड के अंदर जाकर इसे बॉन्ड भरना पड़ा था और सेकेंड राउंड के अंदर जाकर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसका पेमेंट करा जाता है और जो बॉन्ड है वो आपका यहां से कैंसिल मालिक करवा दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक यस yes, सर अब जरा एक छोटी सी बात बताइएगा एक ट्राइंगुलर यह आपका ये बनाया जा रहा है आ, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है अब तक जो बात समझ में आ रही है यहां हमारा पोर्ट होता है ठीक है हाँ सर जी इधर आ, यहां हमारा ये इम्पोर्टर का प्रोमाइसिस हो गया <laughs> यहां पोर्ट हो गया इधर इम्पोर्टर का प्रोमाइसिस हो गया और ये है अपना वेयर हाउस ठीक हाँ अब इसमें क्या होगा कि जो गुड्स है आपका पोर्ट से जब यहां पर लाया जाता है तो आप डायग्राम्स को चेक करके बताइए हर एक के साथ लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री कौन से सेक्शन में फाइल करी जा रही है अंडर सेक्शन वो यहां लिखना है आपने और उसका कलर कौन सा है वो बताना है चेक कर लो आप और जो क्लियरेंस ऑर्डर है सीओ क्लियरेंस ऑर्डर वो कौन से सेक्शन में आ रहा है वो भी चेक कर लें डायग्राम के अंदर ठीक दूसरा अगर गुड्स यूं जाकर यूं आएगा तो क्या होगा इसे बोलते हैं बॉन्डिंग इसे बोलते हैं डिबॉन्डिंग बॉन्डिंग तो के वक्त बिल ऑफ एंट्री किस सेक्शन में आती है आपकी वो बताना है देखकर अंडर वि सेक्शन और क्लीयरेंस ऑर्डर कौन से सेक्शन में आता है सेम क्वेश्चंस यहां पर बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन क्लीयरेंस ऑर्डर <coughs> अंडर सेक्शन ठीक तो मैं इसको फाइल कर फिल कराता हूं बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन होती है यहां पर 46 की और वाइट वाली होती है बॉन्डिंग कराते हैं तो बिल ऑफ एंट्री वही अंडर सेक्शन 46 सी होती है लेकिन ये आपकी येलो <coughs> वाली होती है डिबॉन्डिंग पर बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 होती है और इसका कलर ग्रीन होता है ये ट्राइंगलर आपको याद रखना है वाइट येलो ग्रीन वाइट येलो ग्रीन ठीक क्लॉकवाइज घूम जाइए जो क्लियरेंस ऑर्डर है वो फोर्टी सेवन वन में आता है उसके बाद ये जो आपका इधर क्लियरेंस ऑर्डर है ये अंडर सेक्शन सिक्सटी में आता है और अगला जो क्लियरेंस ऑर्डर है ये अंडर सेक्शन सिक्सटी एट आता है ठीक यस सर ठीक है एक बात कहूं हाँ कहो 47 सेवन का जो क्लियरेंस ऑर्डर है इसके इशू होने पर गुड्स कस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्या मैं ठीक बोल रहा हूं हां सर ये नॉर्थ क्योंकि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो ऐसे होता है ना ऐसे करके है यहां पर नॉर्थ पोल है इधर ये साउथ पोल <coughs> तो फोर्टी सेवन वन का क्लियरेंस ऑर्डर नॉर्थ से साउथ में लेकर जा रहा है ऐसी सेक्शन सिक्सटी एट का क्लियरेंस ऑर्डर भी नॉर्थ से साउथ में लेकर जा रहा है कस्टम कंट्रोल के बाहर ले जा रहा है जबकि आपका ये जो सिक्सटी का ऑर्डर है इसमें गुड्स का मूवमेंट हुआ है, लेकिन गुड्स नॉर्थ पोल के अंदर ही रहा है इसलिए वहां पर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे पूरा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट आई होप आपके समझ में अच्छे से सेट हो गया होगा अब आगे आता है ड्यूटी ड्रॉबैक लेकिन इसको भी स्किप मारते हैं सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ये ठीक है अच्छा जी अब यहां आता है आपका ये असल मुद्दा चार्ट नंबर टेन गुड्स इन ट्रांजिट और नहीं ऐसा नहीं थोड़ा सा अलग रहे और कुछ भी नहीं है यहां पर आइए जरा बात करते हैं चार्ट नंबर टेन गुड्स इन ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट की बात करने के लिए जा रहे हैं इधर इदार। पहले देखेंगे इसमें ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट का क्या मतलब है ट्रांस अगर देखें ऐसे करके हम इसको जरा ट्रांसशिपमेंट ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर इन अनदरशिप दिस इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट ट्रांसफर इन अनदरशिप होता क्या है बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनीज हैं जो ये एडवर्टीजमेंट दे देती हैं कि हम ग्लोबल सर्विस में डील करते हैं ऐसे कुछ एड कर देती हैं ग्लोबल कवरेज देते हैं कि आप इस धरती के किसी भी कोने से किसी भी दूसरे कोने में गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं लेकिन वाकई में क्या उनका अपना खुद का इतना बड़ा नेटवर्क रहा होगा क्या इतने सारे शिप उस कंपनी के पास में रहे होंगे शायद नहीं वो क्या करते हैं बहुत सारे जहाज अपने भी होते हैं और जहां अपने नहीं है वहां वो दूसरी शिपिंग कंपनी से टाई अप करके चलते हैं अब मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसे अपना गुड्स चाहिए साहब कहां पर <laughs> ऐसे करके है उसे अपना गुड्स चाहिए केरला में लेकिन एक एसआर शिपिंग कंपनी है एसआर शिपिंग कंपनी का खुद का जो वैसल है वो अमेरिका से आता है यहां मुंबई तक सिर्फ मुंबई के आगे वो नहीं जाता है उसका परमिट वहीं तक का है लेकिन बंदे को डिलीवरी चाहिए केरला में कैसे होगा कैसा शिपिंग कंपनी को मना कर देना चाहिए कि भाई हम वहां पर डिलीवरी नहीं दे सकते नहीं मना नहीं करेगा ऐसा शिपिंग कंपनी बोलेगा ठीक है आपके गुड्स की डिलीवरी केरला में ही होगी वरी नॉट क्योंकि तो हम तो ग्लोबल सर्विस में डील करते हैं तो ऐसा शिपिंग कंपनी क्या करेगी बड़ा बताइए सोचकर भाई यहां तक जहां तक ला सकती है गुड्स को अपने ओन वेसल में लेकर आएगी और यहां लाने पर गुड्स को अनलोड कर देगी टेम्परे टेम्प्रेरी अनलोड कर दिया जाएगा और किसी दूसरी शिपिंग कंपनी का जहाज यहां पर अरेंज करेगी खुद से इंपोर्टर कुछ नहीं करना वो सारा कुछ कंपनी करेगी बिकॉज गारंटी उसने ली है यहां पर दूसरी कंपनी का वेसल अरेंज करेगी गुड्स को इसमें रीलोड करवाएगी और रीलोड करवाने पर इसके माध्यम से गुड्स को यहां तक पहुंचवा दिया जाएगा हो सकता है कि पार्टी को गुड्स केरला नहीं कलकत्ता चाहिए था कलकत्ता के लिए बॉम्बे से कोई डायरेक्ट मान लीजिए शिप भी नहीं था तो कोई बात नहीं यहां से यहां तक इसमें आया यहां के बाद फिर एक और शिप डालनी पड़ जाएगी और फिर वो गुड्स अपना वहां पहुंचा दिया जाएगा कहीं भी ले लो आप इनसे डिलीवरी इतने सारे इनके टाई अप यहां पर हो रखे हैं अपनी जिम्मेदारी पर सारा काम बीच में इंटरमीडिएट का अपने आप खुद करके चलेंगे और आप जहां कहोगे वहां पर गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी तो जब गुड्स एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर किया गया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट आई होप ये बात समझ में आ गई होगी <coughs> एक बात आपसे पूछना चाहते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर बताइए जर्नी आपकी अगर हम कलकत्ता को स्किप माने केरल तक अपने आप को सीमित रख के चलते हैं तो यहां पर आपकी जर्नी कितनी दिखाई दे रही है एक या दो जर्नी है सर एक जर्नी ये रही हाँ जी सर एक जर्नी ये रही और दूसरी जर्नी इसकी यहां पर ये रही वेरी गुड पहली जर्नी में गुड्स के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट बनकर आया होगा सर गुड्स की लोडिंग के समय बना होगा नाम था उसका बिल ऑफ लेडिंग करके दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कैरीड विद गुड्स था जिसमें लिखा था इस गुड्स की डिलीवरी किसको दी जानी है क्या क्या भरा हुआ है कहां कर भरा हुआ है वो सब बिल ऑफ लेडिंग के अंदर लिखा होता है जब ये जहाज यहां पर चेंज हो जाएगा मुझे बताइए क्या बिल ऑफ लीडिंग जैसा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बिल ऑफ लीडिंग में यहां तक लिखा होता है कि यह वाला गुड्स जहाज के किस हिस्से में रखा हुआ है जहाज के छोटे मोटे तो होते हैं नहीं एक जहाज के अंदर पानी के जहाज के अंदर पांच पांच छह छ सात सात दस दस कंटेनर ट्रेन नहीं होती वो अनलोड हो जाती है भाई साहब इतना बड़ा होता है आपका जहाज तो कौन सा गुड जहाज के किस कोने में रखा हुआ है वो सब तक उस बिल ऑफ लेडिंग के अंदर लिखा होता है जब जहाज ही चेंज हो जाएगा तो बिल ऑफ लेडिंग नाम का डॉक्यूमेंट भी चेंज होगा जब इसमें रिलोडिंग हो रही होगी तो इस वैसल का जो पर्सन इंचार्ज होगा क्या उसको एक नया बिल ऑफ लीडिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बच्चा हा या ना हां सर तो उसको भी बिल ऑफ रीडिंग नाम दू या कुछ और नाम दू क्या लगता है सर नाम तो बिल ऑफ लीडिंग रहना चाहिए लेकिन एक काम करते हैं पहचान के लिए एक शब्द ऐड कर देते हैं ट्रांसशिपमेंट ताकि हमें पता रहे ये कौन सा बिल ऑफ लीडिंग है तो नाम दिया दिया गया ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग का वो डॉक्यूमेंट यहां पर बना दिया जाता है राइट right, सर एक बात आपको और बता देना चाहता हूं यहां पे हमारा जो कार्गो बनता है ना भाई वो अलग अलग नामों से बनता है <coughs> एक होता लैंडिंग कार्गो नाम दिया जाता है लैंडिंग कार्गो लैंडिंग गुड्स कार्गो मतलब गुड्स लैंडिंग कार्गो वो है जो यहां पर फाइनली अनलोड हो जाता है और फिर यहां से आगे या तो हाउस में जाता है या डायरेक्ट घर के लिए जाता है ठीक दूसरा होता है यहां पर गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट जिसकी चर्चा में अभी आपसे कर रहा हूं तो ऐसे में गुड्स अनलोड होता है लेकिन वो फाइनली अनलोड नहीं हो रहा वो इस बार यहां से क्लियर नहीं कराया जाएगा वो क्लियर कराया जाएगा किसी और पोर्ट से यहां तो कुछ घंटों का मेहमान बनकर आया है यहां तो अनलोड हुआ है टू तो रीलोड इन अनदर वेसल ए भाई साहब इधर यहां तो अनलोड हुआ है टू तो रीलोड इन अनदर वेसल दैट्स इट अच्छा उसे गुड्स इन ट्रांसिमेंट बोलते हैं एक और आएगा गुड्स इन ट्रांजिट अभी पढ़ाया नहीं अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वो क्या होता है तो फिलहाल तीन कैटेगरीज आपकी यहां पर कंसिडर करी जाती है लैंडिंग कार्गो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट जब ये गुड्स यहां से यहां पर आ रहा होगा तो मुझे बताइए ये जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनाई बनाई जाती जाती है जाती है 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 ना कौन बनाता है? बनाता पर्सन इंडिया में आने से पहले बनाता है तो जब वो यहां से यहां पर आ रहा है तो इस बंदे को क्या सूचना देगा मुंबई वाले को कि वो तेरे लिए क्या लेकर आ रहा है लैंडिंग कार्गो ला रहा है कोल्ड कॉफ़ी ला रहा है विद आइसक्रीम ला रहा है कैपेचिनो ला रहा है हॉट कॉफी क्या ला रहा है बे बताना पड़ता था ना एडवांस में क्या ला रहा है लैंडिंग कार्गो ला रहा है या गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट ला रहा है सर फर्क क्या पड़ता है फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है अगर लैंडिंग कार्गो तो पता है गुड्स दो चार दिन रुकने वाला है कस्टोडियन उसी हिसाब से पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था करके चलेगा <laughs> लेकिन अगर ट्रांसशिपमेंट है तो दो चार घंटे रुकने वाला है कोई मेहमान आपके घर में आता है और पता आपको तीन चार दिन रुकेगा आपकी व्यवस्था अलग तरीके की होती है लेकिन दो चार घंटे रुकेगा आपकी व्यवस्था सिर्फ कोल्ड ड्रिंक चाय नमकीन तक ही होती है हां बोलो हाँ घर में रुकेगा तो भाई लंच डिनर ये सब अपना उसका रहने का पूरा प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा आपको लेकिन अगर दो चार घंटे वाला है तो चाय बिस्किट नमकीन कोल्ड ड्रिंक यहां तक सीमित इतना इतना इंतजाम करना तो डिपेंड करता है तो पहले से बताना पड़ेगा किस कैटेगरी का कार्गो लाया जा रहा है क्लियर है पॉइंट अच्छा क्या यहां पर भी इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनेगी नहीं सर ये तो अब इंडिया में आ गया ना अब इंडिया में आने के बाद तो फिर कोई मतलब नहीं बनता फिर क्या मतलब है वो तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी की डॉक्यूमेंट था कि ठीक है भाई इंडिया के बाहर सारे बता दो कहां से क्या कैसे लेकर आ रहे हो वैसे करके तो इसके लिए शुरू में ही बता दिया जाएगा कि जो यहां के लिए गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट है लेकिन ये फाइनली यहां तक जाएगा और यहां पर जाकर ये लैंडिंग कार्गो में अपना तब्दील कराया जाएगा लैंडिंग कार्गो उसके लिए बोलते हैं जहां से वो फाइनली गुड्स अपना क्लियर कराया जाता है आइए देखते हैं जरा कैसे कैसे बातें हैं कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवाब दीजिएगा पहला सवाल आपके लिए ये रहा यूएसए <laughs> पोर्ट से चलते हैं और चेतक नाम का वैसल था और सौ यूनिट ये अपने ऊपर लेकर आ रहा था मुंबई कस्टम पोर्ट पर पहुंचता है और यहां सौ किसौ यूनिट अनलोड हो जाती हैं फिर ये रीलोड होती हैं इन अनदर वैसल जलपरी वैसल का नाम है और वो केरला सौ किसौ यूनिट पहुंचा दी जाती हैं मुझे इतना बताइएगा इस केस में इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट कहां पर करवाया जाएगा तीन क्वेश्चन पूछूंगा वट अबाउट इंपोर्ट मैनिफेस्ट कैसी होगी बिल ऑफ लीडिंग का सीन क्या होगा और बिल ऑफ एंट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी वो कहां पर की जाएगी बताएं जरा इंपोर्ट मैनिफेस्ट जब बनाई जाएगी तो ये कार्गो मुंबई कस्टम पोर्ट के लिए कितना बिना देखे बताइएगा देखकर बताना ना वरना फिर डेवलप नहीं हो पाओगे तुम मुंबई पोर्ट के लिए ये क्या है कार्गो लैंडिंग कार्गो है या गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट है सर यहां के लिए गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट है दैट्स ग्रेट और लैंडिंग कार्गो कहां के लिए है जहां पर ये फाइनली अनलोड होगा केरला के लिए है तो यहां दिखाएंगे कि लैंडिंग मुंबई कस्टम पोर्ट के लिए भाई ये यहाँ पर लैंडिंग कार्गो निल आ गया ट्रांसशिपमेंट आपका ये नहीं है यहाँ के लिए ऐसे करके है यहाँ इसकी आवश्यकता है नहीं मालिक कुछ भी कुछ करने की ठीक है उसके बाद ये अपना बिल ऑफ लीडिंग हाँ बिल ऑफ लीडिंग बनाया जाएगा बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ चेतक चेतक नाम का जो वैसल था वो बनाएगा और जो दूसरी जर्नी मुंबई टू केरला ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग यहां पे तैयार किया जाता है मेड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ जलपरी बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी सर देखिए बिल ऑफ एंट्री कहां फाइल होगी ये साउथ पोल में कब जाएगा सर ये केरला पे जब रहा होगा तो वहां जाएगा ना साउथ से नॉर्थ में सॉरी नॉर्थ से साउथ में जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री वहीं फाइल होगी ड्यूटी का पेमेंट वहीं पर किया जाएगा सारे कर्म वहां पर किए जाएंगे जहां के लिए ये लैंडिंग कार्गो रहेगा तो मुंबई कस्टम पोर्ट पर कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हो रही भाई कोई पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हो रहा है ये सारे काम होंगे यहां पर जाकर केरला कस्टम पोर्ट पर जाकर मुझे बताइए बाबू क्या यह कठिन था ना मुन्ना ना बिल्कुल नहीं बस आपने एक नया टर्म सीखा है ट्रांसशिपमेंट क्यों कराते हैं ट्रांसशिपमेंट वो भी आपने सीखा है और ट्रांसशिपमेंट पर एक नया डॉक्यूमेंट बन जाता है क्योंकि जहाज चेंज हुआ है तो ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग नाम का एक डॉक्यूमेंट दूसरी जर्नी के लिए बना दिया जाता है मुझे बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं बाबू फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी अगला क्वेश्चन सुनिए जरा इस बार क्या है सौ यूनिट लेकर आ रहे हैं जिसमें से बीस यूनिट जो हैं वो आपकी क्लियर हो रही हैं फॉर होम कंजम्पन यहां पर मुंबई कस्टम पोर्ट पर और 80 यूनिट लोड की जा रही हैं दूसरे वेसल में जो केरला जाएंगी और वहीं से इनको क्लियर कराया जाएगा 80 यूनिट को तो बताइए जरा यहां पर क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर हमारा जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट नाम का डॉक्यूमेंट बनता है उसमें कितना गुड्स किस कैटेगरी में दिखाया जाएगा सर उसमें देखिए मुंबई के लिए बीस मुंबई पर तो बीस क्लियर हो रही है ना तो मुंबई के लिए बीस यूनिट हैं लैंडिंग कार्गो ठीक बोला मैं मुंबई के लिए बीस यूनिट होंगी लैंडिंग कार्गो और मुंबई के लिए जो अस्सी यूनिट आई और चली गई ये कहलाएंगी गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट इनको कह दिया जाएगा बीस के ऊपर सारे कर्म, पूजा पाठ जितने भी संस्कार हैं बीस के सारे मुंबई कस्टम पोर्ट पर पूरे होंगे जैसे शादी से पहले संस्कार नहीं होते हैं कि हल्दी की रस्म है कि उसकी रस्म जो रस्में होती हैं तो 20 यूनिट के लिए सारी रस्में मुंबई पर होंगी 80 के लिए सारी रस्में केरला पर होंगी तो बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी दोनों के लिए अकॉर्डिंगली अपने अपने पोर्ट पर हो जाएगा जहां तक सवाल है नए डॉक्यूमेंट का तो दूसरी लेग में अस्सी यूनिट गई हैं तो अस्सी यूनिट के लिए एक ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग और बना दिया जाएगा सब लिखा है तो मुंबई के लिए पहली लेग के अंदर लैंडिंग कार को बीस यूनिट है और ट्रांसशिपमेंट अस्सी है बिल ऑफ लीडिंग पर्सन इंचार्ज चेतक के द्वारा बनाया जाएगा और यहां पर ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग जलपरी के पर्सन इंचार्ज के द्वारा बनाया जाएगा बीस यूनिट के सारे क्रम यहां पर होने हैं अस्सी के सारे क्रम इधर करे जाएंगे दैट्स ग्रेट आगे बढ़िए केस थ्री में आ जाते हैं इस बार बस केरला की जगह श्रीलंका कर दिया बाकी केस सेकंड केस की तरह ही है बीस यूनिट को मुंबई कस्टम पोर्ट पर ही क्लियर कराया जा रहा है यहां के लिए ये लैंडिंग कार्गो बन जाता है और 80 यूनिट को रीलोड करके आगे ले जाया जा रहा है जहां के लिए इसे गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट बना दिया जाता है बताइए क्या होगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या दिखाया जाएगा दिखाया जाएगा मुंबई पर आकर फाइल होगी वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है फर्स्ट टाइम तो मुंबई पर फाइल होगी मुंबई के लिए लैंडिंग कार्गो 20 यूनिट ट्रांसशिपमेंट यूनिट है लैंडिंग कार्गो ये आ गया ट्रांसशिपमेंट ये आ जाती है बुला फ्लेडिंग सौ यूनिट का पहली जर्नी का पर्सन इन चार्ज के द्वारा बनाया जाएगा चेतक के द्वारा अगली जर्नी में गुड्स आपका श्रीलंका जा रहा है वहीं पर क्लियर करवाया जाएगा दूसरे जर्नी के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो क्या बनता है ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग लेकिन यहां पर थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट ये है वही लाइक लाइक ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग है वही नाम बदल दिया है नाम इसलिए बदला है ताकि थोड़ा डॉक्यूमेंट देख के पता लग जाए कि ये जा कहां रहा है जब अगला डेस्टिनेशन विदेश होता है तो यहां पर डॉक्यूमेंट का नाम बदल दिया जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसिपेंट रख दे रहे हैं मेड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ जलपरी बिल ऑफ एंट्री बीस के सारे क्रम सारी रस्में चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी फाइल करना हो इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना हो सारी रस्में होंगी मुंबई कस्टम पोर्ट पर जबकि जो हमारी एट्टी यूनिट हैं इनके लिए सारी रस्में कहां पर होंगी श्रीलंका में तो क्या मैं अपने इंडियन लॉ में ऐसा लिखूं कि अस्सी यूनिट के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट श्रीलंका में होगा क्या यह लिखना मुझे शोभा देगा मैं यह ना लिखूंगा मैं हां यह जरूर लिखूंगा कि अस्सी यूनिट के ऊपर जो ड्यूटी वगैरह है वो कम से कम इंडिया में तो पे ना होगी क्योंकि यहां पर वो दिखो वो आ गया कौन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल अगर गुड्स और सर्विस इंडिया में कंज्यूम होंगे तभी तो टैक्स इंडिया में आएगा तो मैं अपने इंडियन लॉ के अंदर अपनी बात कर सकता हूं दूसरे लॉ हालांकि सारे कस्टम लॉ एक ही जैसे हैं पर हम किसी कंट्री का नाम लेकर स्पेसिफिकली अपने लॉ में यह ले सकते कि वहां ऐसा होगा हमें क्या पता क्या होगा कैसा होगा हमारे यहां क्या होगा आप उसकी बात कीजिए मैं अपने घर के नियम कानून बना सकता हूं पड़ोसी घर में उसको कितने बजे जगना है उसके नियम कानून मैं नहीं बना सकता नो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड नो पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इन इंडिया ऐसा करके यहां पर बोल दिया जाता है ठीक तो सेकेंड और इस केस में अंतर क्या के आया केरला की जगह यहां पर हुआ श्रीलंका एंड अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट का नाम बदला और इंडिया में पेमेंट ड्यूटी का नहीं कराया जाएगा अब बात करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है मालिक ट्रांजिट में कुछ नहीं होता गुड्स इंडिया in के बाहर से इंडिया में आ रहा होता है और यहां मुंबई कस्टम पोर्ट को बाय बाय टाटा ऐसे करते हुए यहां से ये बाईपास निकल जाता है मालिक हाँ यहां से बाईपास होते हुए केरला चला जाता है सर मतलब ये क्या बात हुई हाँ यही तो बात हुई ये बात ऐसे हो गई कि यूं आया आपका गुड्स यूं आया आपका गुड्स और यहां से ऐसे आते आते और जाना था इसको केरला uh, और यहाँ आकर ऐसे आया और यूँ आते आते यहाँ बाई बाई करते हुए ऐसे चला गया क्या कोई अनलोडिंग हुई केरला uh, कस्टम मुंबई कस्टम पोर्ट पर नहीं यहाँ कोई अनलोडिंग नहीं कोई फाइलिंग नहीं कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे बस यहाँ से बाईपास होते हुए आ गया सवाल पहला दिमाग में आया अगर सर इसे यहाँ अमेरिका से इधर ही आना था तो ये मुंबई पर कहकर गया इसको सीधा ऐसे नहीं आना चाहिए था क्या वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मालिक ये ऐसे नहीं आ सकता था क्योंकि जैसे सरफेस पर सड़कें बनी हुई हैं आपको उन्हीं पर चलना होता है गाड़ी सड़क पर ही चलती है कई खाई खड्डों में नहीं चलती है रेलवे के लिए रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं एक रास्ता है एक अप्रूव रूट्स होते हैं हवाई जहाज में सड़कें दिखती नहीं लेकिन अप्रूव रूट्स होते हैं कितनी हाइट पर कितनी स्पीड पर आपको अपना जहाज उड़ाना है इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैप्टन को पायलट को अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन ना हो जिसकी मर्जी जहां की ऊंचा तो ऊंचा नीचा तो नीचा तो रोज चार छ दस हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आपको प्लेन धरती पर पड़े मिलेंगे डेली टकराएंगे तो हवा में दिखने रहा लेकिन रास्ते बने होते हैं उन रास्तों पर ही चलना होता है उसके बाद समंदर के अंदर भी ऐसा नहीं कि जहां पर मन हुआ ए भाई साहब जहाज जा रहा आपका नहीं वहां पर भी अप्रूव्ड रूट्स होते हैं उन रूट्स पर कस्टम अधिकारी जगह जगह पर मिलते रहते हैं चेक कर सकते इन्वेस्टिगेट इंस्पेक्ट कर सकते हैं तो आपको आना होता है उन अप्रूव्ड रूट्स पर होकर ही और अप्रूव्ड रूट्स जनरली गुजरते हैं कस्टम स्टेशन के थ्रू होकर करीब होकर निकलते हैं ताकि कंट्रोल में रह के जाए तमीज में रह कर जाए नमस्ते करके जाए तो दीज आर कॉल्ड अप्रूड रूट्स अब यहां पर क्या होता है अगर आप अप्रू रूट से नहीं आए किसी ऐरे गहरे रूट के गए तो आपकी बस इसी हरकत को इस स्मगलिंग बोल दिया जाएगा आपको स्मगलर और आपके गुड्स को हाई लगेगी उसे स्मगल्ड गुड्स बोलकर भरे बाजार नीलाम किया जा सकता है ठीक तो इसलिए यहां पर होके आना होता है तो जब ये यहां से नमस्ते ठोक के आगे बढ़ेगा तो बस इसी पॉइंट के लिए जब ये गुजर रहा होगा निकल रहा होगा देखो 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 गुड्स जा रहा है गुड्स इन ट्रांजिट का नाम दे दिया जाता है मुझे बताइए इस केस में आपके वैसल कितने ये ये यूज हुए एक या मल्टीपल सर वैसल हमारा एक ही यूज हुआ है दैट्स ग्रेट वैसल एक ही यूज हुआ है बिल ऑफ लीडिंग जैसे डॉक्यूमेंट एक बनेगा या दो बनेंगे जब जहाज एक रहा है तो वो डॉक्यूमेंट भी एक ही रहेगा मुंबई के लिए ये गुड्स ट्रांजिट बन गया गुड्स इन ट्रांजिट लेकिन लैंडिंग कार्गो बनेगा यहां केरला कस्टम पोर्ट के लिए राइट तो ज्यादा आसान है आपका ये गुड्स इन ट्रांजिट एज कंपेयर टू तो गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट क्योंकि इसमें झगड़ा ही नहीं है कोई <coughs> तो बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट बाय पर्सन इन चार्ज एज लैंडिंग कार्गो निल ट्रांजिट आपका आ गया ये हंड्रेड और ट्रांसशिपमेंट भाई साहब निल और लैंडिंग कार्गो बन जाता है आपके इसके लिए केरला के लिए लैंडिंग कार्गो बन जाता है ठीक इंपोर्ट मैनिफेस्ट वही कंटिन्यू करेगी उसमें बस दिखा देते कि लैंडिंग कार्गो कहां जाके बनेगा ये बिल ऑफ लेडिंग मेड बाय पर्सन इन चार्ज इसके द्वारा बनाया जाएगा सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करेगा बिकॉज वेसल भी सेम ही है बिल ऑफ लेडिंग एंड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी यहां कुछ नहीं होने का है कोई अनलोडिंग तक नहीं हुई यहां पर तो सारे कर्म होंगे वहां आगे जाकर तो वहीं पर सारी बात करी जाएगी मालिक वैसे करके है, ठीक अच्छा जी एंड uh, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा सौ यूनिट बाहर से लेकर आ रहे थे अब इसमें से जो बीस यूनिट है वो आपकी मुंबई कस्टम पोर्ट पर अनलोड करा दी जाती है और यहां से बाकी अस्सी यूनिट को लेकर वो केरला की तरफ मूव कर जाता है ऐसे में बताइए क्या होगा जब इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनाई जाएगी मेहरबानों तो क्या लिखा जाएगा मुंबई के लिए क्या लाया बे मुंबई के लिए वो गुड्स इन ट्रांसजिट कितना लेकर आया सर अस्सी लैंडिंग कार्गो क्या लाया बे बेटेंटी लेकर आया है बीस यूनिट के रेस्पेक्ट में जो सारी रस्में कस्में हैं वो सब मुंबई कस्टम पोर्ट पर होंगी बाकी अस्सी के संबंध में सारी रस्में और कस्मे केरला पर होंगी चूंकि जहाज एक रहा है सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करेगा कोई नया डॉक्यूमेंट भी सामने नहीं आएगा तो लैंडिंग कार्गो इसके लिए है इसके लिए अस्सी ट्रांजिट में कॉल करेगा और इसके लिए जो ट्रांजिट है वही आगे चल के यहां लैंडिंग कार्गो बना दिया जाएगा बिल ऑफ लीडिंग इसके द्वारा बनेगा और यही कंटिन्यू करेगा बीस के बारे में सारी चर्चा यहां पर होगी अस्सी के बारे में सारी चर्चा यहां केरला पर कर दी जाएगी आई होप बात समझ में आगे होगी हां बोलो हां केस थ्री पर आ जाइएगा क्या बोलता है इसमें आके यहां पर कुछ नया नहीं कर रहा हूं फर्क बस इतना है कि केरला की बजाय इस बार यहां सामने श्रीलंका लिखा हुआ है गुड्स इंडिया के बाहर से आया और मुंबई होते हुए श्रीलंका चला गया पहली बात कि इंडिया में क्या एक रुपए की भी ड्यूटी का पेमेंट करवाया जाएगा सर कैसे कैसे किया है तो बता दो हां चलो एक काम करते हैं इसको पार्ट करते हैं ट्वेंटी यूनिट आपकी यहां पर अनलोड कर ली गई है <coughs> और वो यहीं से क्लियर भी कराई जाएंगी बाकी एट्टी यूनिट को लेकर वो आगे गया है तो यहां से पहले यहां आया होगा फिर यहां से फिर वापस चला गया होगा ऐसे करके अस्सी यूनिट को के आगे चला गया तो अस्सी के संबंध में सारी बात मुंबई कस्टम पोर्ट के लिए क्या लाया भाई बीस यूनिट लैंडिंग कार्गो लेकर आया अस्सी यूनिट ट्रांजिट लेकर आया जो अनलोड तक नहीं हुआ बाकी बीस आ गई अस्सी आ गई जी और बिल ऑफ लीडिंग पर्सन इन चार्ज ऑफ चेतक के द्वारा फाइल किया जाएगा बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एस और यूनिट मुंबई कस्टम पोर्ट पर ये अपना करके चलेगा मालिक ओके यहां पर सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करेगा और बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं यहां तो कुछ नहीं होगा बिकॉज इंडिया में तो कुछ नहीं होने वाला जो एट्टी यूनिट इसकी श्रीलंका चली गई है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बाबू बात समझ में आ गई ना हाँ सर जी आ गई है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट में डिफरेंस क्या है अगर हां तो यू आर जीनियस सुपर जीनियस बताइए ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है देखो ट्रांसशिपमेंट में दो जर्नी होती है कम से कम अच्छा तीन भी जर्नी हो सकती है कि नहीं ट्रांसशिपमेंट में हा पहला जहाज यूएसए से मुंबई आया दूसरा मुंबई से केरला गया केरला से आप कलकत्ता मान लो जाना हो मल्टीपल मल्टीपल कन्वेंस होते हैं ट्रांसशिपमेंट में जबकि तो ट्रांजिट में एक ही होता है है ना हाँ सर <coughs> सर क्योंकि अनलोडिंग नहीं हुई अस्सी की इसलिए वो ट्रांजिट है ना सर वरना ट्रांसशिपमेंट होता बिल्कुल ठीक कह रहे हो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर इन शिप तब बनता है ट्रांसशिपमेंट और अगर अनलोड तक नहीं हुआ सेम में कंटिन्यू कर गया तो वो ट्रांजिट में आ जाता है रास्ते में है तो यहां मैंने अंतर दे रखा जर्नी यहां दो या अधिक होती हैं ट्रांसशिपमेंट में यहां सिर्फ एक होती है वेसल दो या अधिक होते हैं यहां सिर्फ एक होता है नंबर ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहां दो या अधिक होते हैं या एक ही होता है अनलोडिंग अनलोडिंग यहां unloading होती है टू रीलोड इन इनदर वेसल लेकिन यहां अनलोडिंग होती ही नहीं है यहां पोर्ट ड्यूज दो या अधिक पोर्ट पर पे करने होते हैं लेकिन यहां पर गुड्स एंड ट्रांसिट के बारे में जिसका फाइनल पोर्ट होगा एक उसी पर पोर्ट ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा पोर्ट ड्यूज मतलब लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि तो पोर्ट एक ही इन्वॉल्व होता है जहां पर कि अनलोड करवाया जाएगा तो इस तरीके से आपकी चर्चा यहां पर आकर मालिक खत्म हो जाती है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है जी अब यहां आपके इस ओवरव्यू के अंदर दो कंसेप्ट और मैंने बताने हैं और फिर हम फॉर्मली अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे एक कंसेप्ट है आपका इसमें बैगेज को लेकर बैगेज और एक आता है यहां import by post बैगेज <coughs> क्या होता है <coughs> जब आप सी ए बन जाएंगे तो खुद की कमाई से आप बाहर घूमने जाओगे ना विदेश घूमने के लिए हां जाएंगे कहां जाओगे सर जी हम तो हम तो अमेरिका जाएंगे वेरी गुड अमेरिका जाना और विदेश घूमने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए एक वीजा पासपोर्ट बेसिक नीड में आ गया पासपोर्ट वीजा इनको एक कैटेगरी में डाल रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट दूसरा आपकी जेब में पैसा कैश के रूप में भी और प्लास्टिक करेंसी के रूप में भी प्लास्टिक करेंसी में आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा कुछ एक फॉरेक्स कार्ड आता है उसमें मल्टीपल करेंसीज लोड हो जाती हैं प्लास्टिक मनी और हार्ड कैश आपके पास दोनों होने चाहिए ठीक एंड uh, उसके बाद एक और चीज होनी चाहिए आपके पास में मोबाइल फोन विद इंटरनेट मोबाइल फोन विद इंटरनेट और चौथी चीज मुंह में थोड़ी सी जुबान बोलने के लिए हल्का फुल्का बोलने के लिए अगर ये चार चीज आपके पास में है तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हैं वीजा पासपोर्ट पैसा फोन विद इंटरनेट और मुंह में थोड़ी सी जुबान इट आप तो खैर इन चारों में धनी है ज़ुबान तो आप कितनी बड़ी है इतनी बड़ी जुबान का मतलब ऐसे नहीं आपको बोलना अच्छे से आता है यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन मैं तो वो कह रहा हूं कि कोई भी जा सकता है एनी बडी ये चार बेसिक यूनिट जो पूरा करेगा वो जा सकता है तो जब बाहर जाते हो तो आपका मन करता है कि यार इतनी तो दूर यहां पर आए हैं तो कुछ ना कुछ घर के लिए लेकर चलें अपने लिए कुछ लेकर चलें कुछ नया लेकर चलें कुछ पहचान के तौर पर लेकर चलें कुछ पड़ोसियों को जलाने के लिए लेकर चले कुछ रिश्तेदारों को बताने के लिए लेकर चले कि हम अमेरिका घूमकर आए थे हुँ? तो कुछ ना कुछ आप लेकर जरूर आते हो किसी को देने के लिए किसी को खुश करने के लिए किसी को जलाने के लिए किसी को बुझाने के लिए किसी को बताने के लिए तो आपका लगेज काफी हैवी हो जाता है तो वट एवर यू इंपोर्ट फ्रॉम आउट इंडिया टू इंडिया अपने साथ एज ए लगेज वही चीज कही जाती है बैगेज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पर्सनल आप अपने ट्रिप पर गए हैं और पर्सनली जो भी आप सामान लेकर आ रहे हैं इस सामान के ऊपर क्या नॉर्मल तरीके से बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो फॉर्मली फाइल होती है कि हर पैसेंजर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी क्लियरेंस ऑर्डर बनेगा ड्यूटी का पेमेंट करो वैसे करके और हां सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लो उसके बिना आप ला नहीं सकते क्या यह चीज पॉसिबल है द आंसर इज नो ये सारी कथाएं कमर्शियल इंपोर्ट की हैं जो आपके इस प्रकार के इंपोर्ट होते हैं पर्सनल इंपोर्ट होते हैं या ना तो बिल ऑफ एंट्री की जरूरत है ना क्लियरेंस ऑर्डर की जरूरत है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत है बल्कि यहां पर सिस्टम अलग है यहां सिस्टम है आपके रेड चैनल और ग्रीन चैनल का यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है आपको लगता है कि आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स है जिस पर ड्यूटी देनी बनती है तो आप इंडिया के बाहर से आना और आप इस रेड चैनल के थ्रू निकलना यहां पर आकर कस्टम्स गुड्स टू डिक्लेयर ऐसा आपको लिखा मिलेगा इसे रेड चैनल बोलते हैं यहां से आप निकलेंगे निकल के यहीं आगे आपको ऑफिसर्स बैठे मिलेंगे वहीं आपके एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है वह आपको भरना होगा पहले से भर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है आपका समय बच जाता है वो इवन जहाज में मिल जाता है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म वहां ने लिया तो यहां भी मिल जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर देंगे इवन मैं तो कहता हूं कि डिक्लेरेशन फॉर्म वहीं रखे रहते हैं आसपास वो उठा के पहले भर के तब लाइन में लगे ठीक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे जो भी ड्यूटी बनती है आपकी फ्लैट रेट थर्टी फाइव परसेंट से काउंट करी जाती है टेन परसेंट का लग जाता है उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो थर्टी फाइव का टेन परसेंट थ्री पॉइंट फाइव इफेक्टिव रेट थर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट से इम्पो ड्यूटी आपकी बनती है और इम्पो ड्यूटी का पेमेंट आपको यहां करना होगा और यहीं से अपने गुड्स को अपने साथ लेके आप चले जाएंगे ध्यान दीजिए ऐसा नहीं कि अगर मैं दस हजार का नया सामान इंडिया के बाहर से ले आया तो उस पर ड्यूटी लग जाएगी जी नहीं इन जनरल पचास हजार रुपए पर हेड एग्जामेशन दी हुई है हम इंडियन हमारे शौक को पूरा करने के लिए बोला गया कि पचास हजार तक का नया सामान तुम कैरी कर सकते हो हम कोई ड्यूटी की बात नहीं करेंगे अगर आपके पास पचास तक का नया सामान ही है या नहीं है बिल्कुल भी सामान तो भाई एक काम करना आप इधर से निकल जाना ऐसे करके यहां से ग्रीन चैनल से आप लोग निकल जाना ऐसा मालिक बोल दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हां सर जी एकदम ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है <laughs> आप यहां से निकल जाना ठीक है तो पचास हजार पर हेड की एग्जामिशन है और स्पेशल सिस्टम है सर मान लीजिए मेरे पास तो ड्यूटिएबल गुड्स है और मैं जा रहा हूं ग्रीन चैनल से तो अगर ना जाऊं तो रेड चैनल से तो कोई बात नहीं शक होने पर आपको रोक लिया जाएगा आपको इन्वेस्टिगेट इंटरोगेट किया जाएगा गलत पाए जाने पर आपको सजा मिलेगी आपका गुड सीज हो जाएगा वही है कि जैसे ट्रेन में बिना टिकट आप यात्रा कर रहे थे टी टी ने पकड़ लिया सेम वे में ठीक है तो ये इस तरह से सिस्टम होता है मैं गया था मैं सिंगापुर घूमकर आया पीछे वहां एक मॉल है मुस्तफा मॉल बोलते हैं यहां सामान सस्ता मिलता है ऐसे कि ऐसी कुछ सस्ता नहीं मिलता इतना ऐसी मिलता जिस हर जगह मिलता है मैं मुस्तफा मॉल पहुंचा मैंने बहुत सारी शॉपिंग वहां से करी मैंने एक आईफोन भी वहां से खरीदा और जब मैं वहां से निकलने लगा तो मैंने देखा यार बिल में सेवन परसेंट का जीएसटी लगा हुआ है सिंगापुर में देखा मैंने वहां मैडम बैठी हुई थी मैंने कहा मैडम ये मैं इंडियन और ये मेरा पासपोर्ट है मेरा वीजा कल मैं यहां से जा रहा हूं सात परसेंट का जीएसटी आपने लगा लिया है ये शर्म नहीं आती अरे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को आप भी तो फॉलो करते हो भाई जब ये गुड्स इंडिया यहां सिंगापुर में कंज्यूम नहीं हो रहा इट विल बी कंज्यूम्ड आउट इन इंडिया तो आप इस पे ड्यूटी कैसे चार्ज कर सकते हो <coughs> उन्होंने कहा सर हमें क्या पता कि आप इसे इंडिया लेकर जाओगे हो, हो सकता है कि आप कोई जान पहचान वाला यहीं पर मौजूद हो सिंगापुर में आप उसे देकर चले जाओ मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन मैं कहा फिर कैसे होगा बताइए आपको मुझ पर भरोसा नहीं मुझको आप पे भरोसा नहीं क्या करें फिर तब तो एक काम करो सामान ले जाकर जब आप कल जाओगे तो सिंगापुर एयरपोर्ट पर एप्लीकेशन फाइल करना कि आप इसे इंडिया लेकर जा रहे हो नया सामान खरीदा है आपने यहां से वहां पर फिर आपसे वो फिजिकल वेरीफाई करके चलेंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि आप नया सामान लेकर जा रहे हो इंडिया फिजिकल वेरिफिकेशन होने पर संतुष्ट होने पर जो भी आपसे हम यहां पर जीएसटी ले रहे हैं ना ये ये आपको सिंगापुर एयरपोर्ट से रिफंड हो जाएगा हमने कहा ठीक है नेक्स्ट हमने बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग पास लेकर हमने देखा दूर जैसे मान लो यहाँ से इधर था बोर्डिंग पास वाला काउंटर यहाँ था तो यहाँ से हमने देखा कि ये इधर सामने बिल्कुल था जी रिफंड काउंटर यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर कुछ ऐसा नजारा था ये इस प्रकार से कंप्यूटर मशीन लगी हुई थी और जैसे ये यह है यहाँ पर मैंने अपनी जो ट्रॉली थी सामान सामान्य साइड में था और ऐसे करके यहाँ पर मैंने वो अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स भर दी पासपोर्ट वगैरह स्कैन किया मैंने अपना एंड डिटेल्स अपनी एप्लीकेशन भर दी फॉर्म भर दिया उसके बाद में आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने यहां पर पाया मालिक <coughs> क्या पाया सर जी यहां पे आके बता रहे हैं रुक तो जाओ जरा यहां पे आगे चल के हमने पाया और कि हाँ हाँ कि उस ऑफिसर यहां पर बैठा हुआ था उस इधर साइड में यहां जाके इधर साइड में ऑफिसर यहां बैठा हुआ था और इसने हमारे गुड्स को फिजिकली वेरीफाई किया संतुष्ट हो गया इसने ओके okay कर दिया फिर हम आगे बढ़ गए जहां पर हमारा बोर्डिंग गेट था और बोर्डिंग गेट पर भी जीएसटी कैश रिफंड करके लिखा हुआ था वहीं से हम गए और हमने अपना बताया कि भाई हमारी अप्लीकेशन फाइल हुई है ऐसा करके हमारा रिफंड बनता है उन्होंने चेक किया और हमें हमारा जो रिफंड बन जो जो सिंगापुर टैक्स लगा हुआ था उसके ऊपर सिंगापुर जीएसटी लगा हुआ था उन्होंने हमें वहां पर वो कैश में वापस रिफंड दे दिया प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो यहां पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की मर्यादा रखी गई क्योंकि गुड्स कंज्यूम नहीं हो रहा इस बात को भी किया गया दिया लेकिन इंडिया में आके कंज्यूम हो रहा है तो इंडिया में आके हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा वो भी 36.5 परसेंट से वहां बचा 7 परसेंट या 36.5 परसेंट से बट यहां पचास हजार पर हेड पचास हजार पर पर्सन से ज्यादा अगर आपके पास गुड्स है तो ही ड्यूटी की बात करते हैं अदरवाइज बात नहीं करते और कंसेप्ट है ग्रीन चैनल और रेड चैनल का मुझे बताइए पर्सनल लगेज का ये सिस्टम आपको समझ में आया कि नहीं आया हाँ या ना ऐसे जैसे सिंगापुर से इंडिया आते हैं ऐसे इंडिया से अगर कोई टूरिस्ट इंडिया के बाहर जाता है तो यहां तो उसे टैक्स लगाया जाएगा लेकिन जब वो इंडियन एयरपोर्ट से अपने वतन जा रहा होगा लौट के तो इंडियन एयरपोर्ट पर उसके इंडियन टैक्सेस का जीएसटी का दिया जाता है, जब वो अपने कंट्री में तो इंटरनेशनल लेवल का लॉ है, है। इसलिए जीएसटी आने पर कस्टम्स के अंदर कोई किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बात करते हैं इंपोर्ट बाय पोस्ट को लेकर ये क्या मामला सर जी इंपोर्ट अगर मुझे बाई पोस्ट कुछ इंपोर्ट करना है एक दिन की बात है मैं टीवी देख रहा था वहां पर बताया गया सोना बेल्ट है जो टमी निकल आती है वो कम कर देती हैं वो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर कॉल लगाया कॉल उनकी मार्केटिंग एजेंसी में जाके लगती है उनकी मार्केटिंग कंपनी मेरा ऑर्डर लिया और जाके सोना बेल्ट वाली जो फैक्ट्री थी जो कंपनी थी उनको फॉरवर्ड कर दिया सोना बेल्ट वालों ने मेरा जो पैकेट था वो तैयार किया और तैयार करके वहां अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाकर दे दिया ध्यान दीजिए पोस्ट ऑफिस हर कंट्री में दो तरीके के होते हैं एक डोमेस्टिक पोस्ट का पोस्ट ऑफिस होता है एक इंटरनेशनल पोस्ट का पोस्ट ऑफिस होता है जैसे एयरपोर्ट नहीं होते डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे ही उन्होंने अपने यहां जो इंटरनेशनल पोस्ट का पोस्ट ऑफिस था जिसे फॉरन पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं वहां जाकर दे दिया वहां से जो इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस की वैन होती है ऐसी ये जो वैन है इस वैन ने सारे पार्सल कलेक्ट किए और वो पोर्ट या एयरपोर्ट पर लेकर पहुंच जाती जिसके थ्रू पार्सल आना था अब बाई एयर मान लीजिए पार्सल आया इंडिया में इंडियन कस्टम एयरपोर्ट पर वो पार्सल्स आ जाते हैं फिर हमारे दिल्ली में जो इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस है वहां से वैन जाएगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और वहां से जितने भी पार्सल्स आते हैं पर डे उनको इकट्ठा करके ले आती है इकट्ठा कर, करके इधर ले आती है यह है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस ले आती है यहां पर कस्टम अधिकारी की एक परमानेंट ड्यूटी लगाई जाती है मालिक क्या कस्टम ऑफिसर की परमानेंट ड्यूटी इस इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में लगाई जाती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस पर कस्टम का कंट्रोल होता है आप इसे नॉर्थ पोल में रखोगे या साउथ पोल में रखोगे इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस को हम लोग नॉर्थ पोल में रखेंगे अधिकारी यहां बैठा हुआ है तो यह उसी के कंट्रोल में माना जाता है ठीक है जी यहां पर आगे हमारे वो यहीं पर सारा असेसमेंट वगैरह किया था एक एक पार्सल का असेसमेंट यहां किया जाता है और जिस पार्सल के रेस्पेक्ट में जो ड्यूटी बनती है उसका लेबल उसके ऊपर लगा देते हैं कि भाई इस पर ड्यूटी इतनी बनती है कस्टम अधिकारी ने सारा असेसमेंट कर दिया है उसके बाद टेरिटोरियल पोस्ट मास्टर आते हैं कि पोस्ट कहां की थी फरीदाबाद की पोस्ट थी गाजियाबाद की पोस्ट थी ईस्ट दिल्ली की पोस्ट थी गुड़गांव की पोस्ट थी कहां की पोस्ट थी कहां के लिए पार्सल था वो फिर वो पार्सल जो टेरिटोरियल पोस्ट मास्टर वो आता है और यहां से कलेक्टर के ले जाएगा आप घर के दरवाजे पर पहुंचेगा टिंग टोंग कौन है पोस्टमैन आप दरवाजा खोलेंगे और उसी वक्त आपसे वो ड्यूटी की डिमांड करेगा आपको ड्यूटी का पेमेंट करना है पोस्टमैन को अपना पार्सल ले लेना है पोस्टमैन फिर वो पैसे लाकर पोस्ट ऑफिस में यहां लाकर दे देता है और फिर पैसा वो सरकारी खजाने में पहुंचा दिया जाता है यह है सिस्टम आपके इंपोर्ट बाई पोस्ट का बीच में इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस आ जाता है वहां पर कस्टम अधिकारी बैठा हुआ होता है ना यहां कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई ना यहां कोई क्लियरेंस ऑर्डर बना और ना ही आपको यानी कि इंपोर्टर को यहां पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की आवश्यकता पड़ी तो यह है आपका स्पेशल सिस्टम इन कस्टम्स केस ऑफ इंपोर्ट एज बैगेज एज इंपोर्ट बाय पोस्ट ऐसे करके मालिक तो बैगेज का और पोस्ट का छोटे छोटे चीजें हैं ये इनके सिस्टम अलग बने हुए हैं आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी हाँ बोलोगे तो अच्छा सा लग जाएगा और प्रेम से बोलेंगे मालिक राधे राधे ठीक है, राध है।, है साहब हां सर जी ठीक है तो ऐसे करके चैप्टर की हुई समाप्ति <coughs> अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में और बता दूं थोड़ा सा उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ब्रेक लेकर है आपका इधर रे कहा गया ये रहा ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक वही इंपोर्ट किया तीन स्टेप आते हैं इंपोर्ट किया इंपोर्ट ड्यूटी पेड करी और फिर एक्सपोर्ट कर दिया इक्वल टू डीबी के शॉर्ट में डीबी के इंपोर्ट किया ड्यूटी पेड करी फिर एक्सपोर्ट कर दिया नाउ डीबी के जन्म ले जाएगा तो आप इंपोर्ट करते इंडिया के बाहर से यहां पर आपका गुड्स आ जाता है मुंबई कस्टम पोर्ट पर यहां से गुड्स को उठाने के लिए आपके पास तीन रास्ते होते हैं अगर और अगर कल रिटर्न कर दिया गया तो, तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती रिफंड की आपको मानसी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फिर सारे दस्तावेज के साथ में मुंबई कस्टम पोर्ट है यहां से गुड्स तीन जगह के लिए उठ के जा सकता है आप इसे घर ले जा सकते हो आप इसे वेयर हाउस में डाल सकते हो आप इसे ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट की बात कर सकते हो देखना मैंने लिखा है यहां तक लाने के लिए जो सेक्शन आपके काम करते हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू तो, थर्टी तो, थ्री थर्टी फोर गुड्स यहां आके टप्पा खा जाता है गुड्स का पहला टप्पा यहां खाया अब यहां से कहां का टप्पा खा सकता है अगला टप्पा यहां हो सकता है इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फोर्टी सिक्स की चेक करना गलत तो नहीं है 46 की बिल ऑफ एंट्री है और ऑर्डर अंडर सेक्शन में आता है और ये बिल ऑफ एंट्री भी इनकी वाइट कलर की होती है ऐसा हम पहले देख चुके हैं बॉन्डिंग के लिए अगर जाएगा तो फोर्टी सिक्स की बिल ऑफ एंट्री है इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट यहां नहीं करना क्लियरेंस ऑर्डर सेक्शन सिक्सटी में आता है डिबॉन्डिंग कराएगा तो यहां पर आकर ये सेक्शन 68 में बिल ऑफ एंट्री ऑर्डर भी वहीं आता है ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट की बातें यहां पर ऐसे जाती हैं मालिक और यहां पर आते हैं आपके सेक्शन नंबर 52 से से ले लेकर 56 तक के सेक्शंस ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट जुड़े हुए हैं आपने मान लीजिए गुड़ छुड़ा लिया छुड़ाने के बाद फिर आप इधर लेकर आए तो इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट आपको यहां पर करना होता है मजे की बात देखिए जो जो एरो होम कंजम्पशन से कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ रहा है हाँ बोलो हां यही है आपका यहां पर आकर ये नॉर्थ पोल ऐसा है ये इधर नॉर्थ आ गया इधर आपका ये साउथ आ गया नॉर्थ साउथ में आएगा तो ही ड्यूटी की बात होगी अदरवाइज नहीं होगी हमारा सवाल ये है और अगर मान लीजिए आपने वेयर हाउस से डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी ही नहीं पड़ेगी अगर भरनी ही नहीं है भरी ही नहीं है तो रिफंड की कोई बात होगी भी नहीं बात तो तब आती रिफंड की कि आपने अपने गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए छुड़ा लिया मतलब कि आपने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद पेमेंट करने के बाद अब आप उसे कर रहे हैं मालिक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अगर जो का त्यों कर देते हैं तो आपको 98 परसेंट का रिफंड मिल जाता है अगर आप उसे थोड़ा सा यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं <coughs> थोड़ा सा यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक की परसेंटेज थोड़ी कम होगी या ज्यादा होगी क्योंकि तो मालिक मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा आप इंडिया में यूज करते जाएंगे आपका रिफंड उतना ही कम होता चला जाएगा एक दिन वो आएगा कि आप उसे पूरा यूज कर चुके होंगे और आपका रिफंड इधर मिट्टी में मिल चुका होगा सबने कहा गांव छोड़ दो पारों ने कहा शराब छोड़ दो आपने कहा हवेली छोड़ दो एक दिन वो आएगा कि सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो एक दिन वो आएगा कि यूज़ इतना ज्यादा कर चुके होगे आप कि रिफंड आपका मिट्टी में मिल चुका होगा खत्म हो चुका होगा बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल दैट्स इट अगर आपने जी ये घटना चलाता यूज़ इतना किया तो ये 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 ये, ये एक दिन आपका नल हो जाता है जो यूज़ बढ़ेगा ड्यूटी ड्रॉबैक गिरेगा एक और तरीका था एक्सपोर्ट आफ्टर मैन्यूफेक्चर अगर आपने किया है तो वहां भी कुछ अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं हम और वहां एक रिफंड आपको दे दिया जाता बस इसका मतलब यही है कि आपको एक रिफंड दे दिया जाता है ये शब्द क्या लिखे देख लेंगे आगे चल के ऐसे करके मालिक बात करी जाती है ठीक ओके सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस मैं आपको यहां पर ही समझाना चाहता था अलग अलग तरीके से आपने इंपोर्ट किया इंपोर्ट ड्यूटी भर दी नाउ आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड देते हैं और वही रिफंड कहा जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक ठीक है तो ये यहां पर हेलीकॉप्टर व्यू कंप्लीट हुआ है एंड उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आता है उसका नाम है सर जी यहां पर आकर डेफिनेशन का हमारा चैप्टर है पूरे कस्टम लॉ के अंदर कुछ एक जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग अगर हमें पहले से पता होगा तो बहुत एफिशिएंटली आगे काम कर पाएंगे बीच में कहीं रुकावट नहीं आएगी तो पहले मैं आपको ब्रेक देता हूं और ब्रेक के बाद हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेशन चैप्टर को आगे तक लेकर जाएंगे मालिक ठीक है हैव ए ब्रेक चलो चलो रे ब्रेक हो चुका है और ब्रेक के बाद चर्चा को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं नया सुंदर सा मोहक सा चैप्टर है आपका डेफिनेशन का सेक्शन एक यहां पर दिया हुआ है और सेक्शन दो, दो ही सेक्शन पढ़ने हैं पूरे चैप्टर के अंदर सेक्शन एक में क्या बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड कस्टम एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू तालिया इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एंड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई एनी पर्सन इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है देखिए एक अजीब सी बात लिखी है यहाँ पर आ, क्योंकि कोई भी एक्ट हो कोई भी लॉ हो उसका जो स्कोप है वो इंडिया तक ही हो सकता है इंडिया को बियॉन्ड जा ही नहीं सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए नॉर्मल जो प्रोविजन्स हैं उसकी वो टी डब्ल्यू आई जहाँ तक इंडिया फैला हुआ है वहाँ तक लगते हैं लेकिन लेकिन जो अपना ये दो सौ नोटिकल माइल तक का है अपना एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड आपका क्या बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर इसको यहाँ पे कहा जाता है और ऑफिसर जो होते हैं ऑफिसर अपनी जो पावर्स हैं उन्हें एक्सरसाइज uh, कर सकते हैं इन इंडियन कस्टम वाटर ये हमने पहले भी पढ़ा था इसी तर्ज पर ऑडियो वीडियो फाइन ना बताना प्लीज मुझे ऑडियो वीडियोज फाइन ना इसी तर्ज पर अब हम आपसे यहां पर यह कह रहे हैं उसी को सपोर्ट देने के लिए सेक्शन है कि एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन अगर इंडिया के बाहर भी कुछ हो रहा है तो अधिकारी वहां पर उस व्यक्ति को इंटरोगेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं एंड ऑल सारे के सारे अपनी पावर्स को ले सकते हैं ठीक यस सर डेफिनेशन चैप्टर डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर दो है और पहली ही डेफिनेशन है यहां पर असेसमेंट की एक लड़की थी दीवानी से गलियों से गुजरा करती थी शायद कहना था कुछ उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी ये असेसमेंट कैसे होता है ये असेसमेंट कब होता है यह असेसमेंट क्यों होता है और मैं मैं सिर्फ यही कह पाता रेडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज पर लॉ असेस करना आप देखिए ना यहां पर क्या है यहां पर है आ, असेस करना असेस करने का मतलब होता है वैल्यू करना वैल्यू करना मतलब डिटरमिन करना है डिटरमिन करना मूल्यांकन करना है क्या ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी ड्यूटी लाइबिलिटी का मूल्यांकन करना कहलाता है असेसमेंट करना अच्छा दूसरी एक और बात बताइए क्या असेसमेंट के बाद कुछ पॉजिटिव फिगर आए यह जरूरी है जी नहीं अगर किसी बच्चे के दस में से दस नंबर आते हैं बच्चा बहुत खुश होगा दस में से नौ नंबर आठ आए तब भी बच्चा खुश है दस में से एक आया तब भी बच्चा खुश है दस में से जीरो आई तब भी बच्चा खुश है मुझे बताइए क्या चारों बच्चों की कॉपी चेक हो चुकी है कि नहीं हो चुकी यस 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 भले ही इसके जीरो आए हो लेकिन कॉपी तो चेक हो चुकी है कॉपी का तो मूल्यांकन हो चुका है कॉपी का तो असेसमेंट हो चुका है ना हाँ हो चुका है लेकिन अगर कॉपी ऐसी दिख रही हो ये इसका मतलब इसका भी नो असेसमेंट असेसमेंट नहीं हुआ है लेकिन ये जो है अपने इन सब का यहाँ पर असेसमेंट किया जा चुका है तो असेसमेंट करने के बाद असेसमेंट का मतलब टैक्स लैब्रिटी को डिटरमिन करना होता है पर इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स लैब्रिटी कुछ पॉजिटिव आनी जरूरी है ये निल भी हो सकती है ये ज़ीरो भी हो सकती है ये तो असेसमेंट की प्रोसेस के बाद ही पता लगेगा तो जो हम इसको थोड़ा और एलेबरेट करके देखते हैं <coughs> तो जो असेसमेंट वर्ड है मालिक इसमें सबसे पहले बोलता है डिटरमिनेशन ऑफ ड्यूटी एबिलिटी डिटरमिनेशन ऑफ ड्यूटी एबिलिटी मतलब आपका प्रोडक्ट ड्यूटिबल है या नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूटिएबल है तो यहां रख दीजिए अगर आपका वो नॉन ड्यूटिएबल है तो यहां रख दीजिए तो अगर आपका वो नॉन ड्यूटिएबल है, तो तो है मालिक फिर तो ड्यूटी कैलकुलेट करने की बात ही नहीं करनी हमने लेकिन हाँ अगर ड्यूटेबल है तो अगला पॉइंट आता है हाउ टू कैलकुलेट उसको कैलकुलेट कैसे करोगे पे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें दो चीजें होती हैं एक हमारी जो ड्यूटी होती है वो वैल्यू बेस्ड होती है और एक हमारी ड्यूटी होती है वो क्वांटिटी बेस्ड होती है क्वांटिटी बेस्ड मालिक रखवाई जाती है <coughs> जो वैल्यू बेस्ड होगी जहां पर कि हम वैल्यू को बेस बनाकर ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहां पर वैल्यू दी होती है और वो होती है फॉरेन करेंसी के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज को लेकर तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू वो इंडियन रुपीज़ में आ जाती है और फिर इसमें हमारा जो रेट ऑफ ड्यूटी होता है उससे मल्टीप्लाई करके अपनी हम ड्यूटी को कंप्यूट कर पाते हैं लेकिन जो हमारी क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी होती है उसमें क्या करते हैं क्या उसमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जी नहीं उसमें सिर्फ जरूरत पड़ती है हमें क्वांटिटी की कि कितनी क्वांटिटी हमने इंपोर्ट करी वो बताइए और यहां पर रेट लगा देते हैं कि रेट हमारा कितना बनता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि भाई कि शेविंग ब्रश जो होता है शेविंग ब्रश पर ड्यूटी बनती है बीस रुपया पर पीस के हिसाब से ड्यूटी बनती है ठीक है और आपने इंपोर्ट किए हैं हंड्रेड ब्रश इंपोर्ट किए हैं तो हंड्रेड इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू टू थाउजेंड रुपीज यहां पर आपके दिख जाते हैं बन जाते हैं राइट ओके सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है दूसरा ये जो यहां पर हम निकाल रहे हैं वैल्यू रेट ऑफ ड्यूटी की अपनी बात करी जा रही है इसमें हमें ध्यान रखना होता है कीप इन माइंड एग्जामेशन अगर कोई एग्जामेशन है तो उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर रेट बनता है किसी के ऊपर टेन परसेंट का और इसमें से फोर्टी परसेंट की एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है इसका मतलब ये हो गया कि आपका चार परसेंट इसमें से एग्जम्प्ट है दैट मीन कि आपका जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगा वो दस में से चार माइनस कर दीजिए आपका छः परसेंट का इफेक्टिव निकल के आएगा तो हमें अगर कोई किसी प्रकार की एग्जामेश नोटिफिकेशन दे रखी है तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना होता है हमें यहाँ पर आकर क्लासीफिकेशन को भी ध्यान में रखना होता है क्लासीफिकेशन क्या सर जी क्लासीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका करेक्ट कोड क्या होता है वो बताइए करेक्ट कोड के आगे ही उसका रेट वहां पर लिखा हुआ होता है तो क्या क्लासिफिकेशन कोई एग्जाम नोटिफिकेशन तो नहीं है रेट क्या है क्वांटिटी क्या इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ड्यूटी को डिटरमिन करके चलते हैं ऐसे करके दूसरा <coughs> क्या इंसान के अलग अलग रूप नहीं होते हैं हाँ होते हैं यह मेरा अलग रूप है यहां से ऑफलाइन हटूंगा तो ऑब्वियसली बात मेरा रूप कुछ और हो जाएगा ऐसे ही आपका यहाँ रूप कुछ और है दोस्तों के बीच में रूप कुछ और होता है आपका घर वालों के बीच में रूप कुछ और होता है आपका तो डिपेंड करता है कि हम इस समय कहाँ पर खड़े हैं कहाँ पर हैं अकॉर्डिंगली हमारे रूप चेंज होते रहते हैं ऐसे ही असेसमेंट के भी अलग अलग रूप हैं असेसमेंट इंक्लूड्स इसमें और क्या क्या शामिल किया जाता है असेसमेंट वर्ल्ड में और क्या शामिल कर लेते हैं हम लोग देखिए जैसे असेसमेंट वर्ड को अगर मैं प्यार से रिप्लेस करूं जैसे अभी मैंने बोला भी था ना कि असेसमेंट कैसे होता है तो एक्चुअल में डायलॉग क्या है ये प्यार कैसे होता है तो देखिए इसमें बता दें हम आपको सबसे पहले आता है सबसे बढ़िया वाला प्यार प्यार के भी अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रूप होते हैं पहला जो सबसे बेस्ट प्यार है इस वर्ल्ड का वो है सेल्फ लव खुद से प्यार यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना सेल्फ असेसमेंट खुद से प्यार एक होता है रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट अधिकारी जब उसको रीअसेस कर देता है हमारे द्वारा बताए गए सेल्फ असेसमेंट को तो इसे बोलते हैं दूसरा प्यार दूसरा प्यार और क्या सर जी और और होता है यहां पर एक प्रोविजनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट हो गया कच्चा कच्चा प्यार मैं तुमसे प्यार तो करती हूं पर एज ए फ्रेंड ये प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो ऐसे करके असेसमेंट के अपने अलग अलग नाम होते हैं और एक निल असेसमेंट भी असेसमेंट ही होता लिख देते हैं निल असेसमेंट खोखला प्यार निल असेसमेंट खोखला इसे लेकिन प्यार तो होता ही है खोखला प्यार ठीक है तो इसके ब्रांच हो गए असेसमेंट की डेफिनेशन आपके यहां पर आकर हो जाती है आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है असेसमेंट मीन डिटर्मिनेशन ऑफ अ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनी डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटेबिलिटी ऑफ एनी गुड्स कि ड्यूटेबल है भी या नहीं है एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेस और और एनी एनी अदर सम इफ अंडर अंडर दिस एक्ट द कस्टम टैरिफ एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग अंडर एनी अदर लॉ का मतलब हो गया आपका फाइनेंस एक्ट जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया ये फाइनेंस एक्ट के तहत ही आपका कंप्यूट किया जाता है कस्टम टैरिफ एक्ट या फिर दिस एक्ट का मतलब कस्टम है कस्टम एक्ट कस्टम टैरिफ एक्ट या फिर कोई रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट हो गया अपना तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करना विद रेफरेंस टू कैलकुलेशन में क्या क्या ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन क्या है वैल्यू क्या है Exemption या कंसेशन कोई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ वो बताइए क्वांटिटी क्या वेट क्या वॉल्यूम क्या ये उसके लिए जरूरी होते हैं जहां पर आपकी क्वांटिटी बेस्ड होती है ओरिजिन ऑफ सच गुड्स क्या है एंड अदर स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या है ओरिजिन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें प्रेफरेंशियल रेट की अप्लीकेबिलिटी के बारे में पता लगाए एंड इनक्लूड्स इनक्लूड्स वर्ड का मतलब होता है ये भी मैं मेरी पत्नी से बोलता हूं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं पत्नी खुश हो जाएगी अगर मैं बोलो मैं तुमसे भी प्यार करता हूं तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि कोई और भी है कल मुही है ना बताओ वो कौन है तो इसका मतलब है ये भी यानी कि बाकी जो है सो है तो है ही ये भी और एडिशनल है क्या इसमें इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट कच्चा कच्चा असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट री असेसमेंट भी असेसमेंट है और एनी अदर असेसमेंट जहां पर ड्यूटी नील हो यानी असेसमेंट भी असेसमेंट ही होता है मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई यस सर अगली डेफिनेशन आ रही है ए इधर सामने कमर सीधी अरे लेट कर मत देखा करो क्लास तुम क्या करते हो लेट गए जब लेटे थे तो लैपटॉप गोद में था अब धीरे धीरे आप लंबे पड़ जाते हो लैपटॉप टमी पर आ जाता है ऐसा नहीं करना है आपने मैं सिर्फ इसलिए खड़ा रहता हूं ताकि आप कम से कम बैठे तो रहें वरना बैठ मैं भी सकता हूं बैठना मुझे भी आता है बैठना मुझे भी अच्छा लगता है पर मैं बैठूंगा नहीं एंटायर बैच सीधे कमर सीधी और जो सड़ियल बन के बैठा है अगली क्लास में सड़ियल नहीं बैठना है नहा के बैठना है अगला पॉइंट है इंडिया इंडिया इंक्लूड्स इंडिया में यह भी शामिल रहेगा मतलब क्या मतलब ऑब्वियसली बात है यार कि इंडिया मतलब ये जो इंडिया है जो भारत का नक्शा है ये तो सब जानते ही जानते हैं रिक्शे वाला भी जानता है कि ये इंडिया है लेकिन टी डब्ल्यू आई भी इंडिया का हिस्सा है ये रिक्शे वाला नहीं जानता इस बात को स्पेशल बताया गया कि इसमें आपका ये भी शामिल किया जाए जो है है सो साथ में ये भी फेना ही लेना देट सेट टी डब्ल्यू आई ऐसे करके आगे बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वॉटर ये क्या है वही बेस लाइन से बेस लाइन से बारह नॉटिकल माइल तक का ये जो पानी है इसे बोल देते हैं बाबू मेरे हम लोग यहां पर इंडियन कस्टम वाटर अब एक इसमें प्रश्न ये निकल के आता है क्या भला देखिए हम बात कर रही हैं यहां पर, टी आई को कर। होता ये है कि हमने तो नाप कर बोल दिया कि भाई ये रहा आपका टी डब्ल्यू आई बट प्रॉब्लम इज दिस क्वेश्चन उठा कि यहां पे ना बे होती हैं बे जो कुछ एक वाटर बॉडीज हैं कनेक्टेड टू ओशन है वाटर बॉडीज कनेक्टेड टू ओशन जैसे बे ऑफ बंगाल हो गई बे के साथ कुछ लार्ज बे होती हैं कुछ बे होती हैं कुछ लार्ज बे होती हैं जिनको हम अंग्रेजी में गल्फ के नाम से जानते गल्फ एंड नहीं गल्फ के नाम से जानते हैं ठीक है <laughs> कुछ क्रीक या टाइडल रिवर होती है अब ये क्या होती है देखिए नदियों का पानी आता है इधर रिवर इधर आ रही होती है इधर से समंदर का पानी होता है सी वाटर और आपस में ये पानी तीखा खट्टा बोल दो ये खट्टा होता है और ये पानी मीठा होता है खट्टे मीठे पानी का ये जो यहां पे आके संगम होता है इसे बोल देते हैं क्रीक और टाइडल रिवर्स ठीक यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मुझे एक बात बताइएगा ये जो कनेक्टेड वाटर बॉडीज हैं ये जो कनेक्टेड वाटर बॉडीज हैं इनको टी डब्ल्यू आई में काउंट करूं कि ना करूं आई मीन टू से टी आई के बारह नॉटिकल माइल में मैं यहां से काउंट करूं यहां से बेस लाइन से या फिर इनके बाद से ये वाला इनके बाद से काउंट करूं बारह नॉटिकल माइल नहीं सर दीज आर द पार्ट ऑफ द टी डब्ल्यू आई आप शुरू से ही काउंट करेंगे यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो बेस लाइन से ही करी जाएगी ये टी डब्ल्यू आई का पार्ट है कनेक्टेड वाटर बॉडीज इक्वल टू पार्ट ऑफ टी डब्ल्यू आई राइट पढ़कर देखते हैं क्या बोलता है द पोजिशन मीन्स टी डब्ल्यू आई मीन्स दैट पोजिशन ऑफ सी विच इज एट टू द शोर्स ऑफ कंट्री टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड एंड क्या एंड इंक्लूड्स ये भी बे गल्फ हार्बर क्रीक और टाइडल रिवर्स जैसे ये ना गंगा सागर गंगा सागर आपने नाम सुना है, ये कलकत्ता साइड में है वेस्ट बंगाल में गंगा सागर कि ये कहावत भी है कि, आ, कि अगर कोई गंगा सागर एक बार नहा लेता है तो उसे समस्त नदियों में नहाने का सुख प्राप्त होता बिकॉज यहां पर भारत की जो भी नदियां हैं सब जाकर भाई साहब यहां पर मिल रही हैं वैसे करके बोलते हैं है ना कई सारी प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा यहां पर आकर होता है समुद्र में आके मिल जाता है तो ये पोजिशन है तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं सारे के सारे इसमें ही शामिल मानी जाती हैं आगे है इंडियन कस्टम वाटर अगर शुद्ध भाषा में बात करें तो भाई बेस लाइन से जहां तक नॉटिकल हंड्रेड आप आपके जाते हैं वहां तक का जो पानी है सारा का सारा वो इंडियन कस्टम वाटर होता है और इन, जो कस्टम अधिकारी हैं, वो कस्टम अधिकारी जो है वो अपना यहां पर आ, क्या बोलते हैं लाइक अपनी पावर को एक्सरसाइज वहां पर जाकर मालिक कर सकते हैं क्या बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर मीन वाटर एक्सटेंडिंग इन टू अप टू द लिमिट ऑफ ई जेड

और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट कहां पर है 200 हंड्रेड नोटिकल माइल तक यानी कि से लेकर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल तक जितना भी आपका पानी है वो सारा सारा का का इंडियन कस्टम वाटर जाएगा ध्यान सुन लेना कहीं कंफ्यूज हो जाओ क्या कहना चाह रहे हैं ये कह है कि देखो ऐसे होता है ये हमारा स्केल है पैमाना ये जीरो है ये बारह नोटिकल माइल है पैमाने पर और ये पैमाने पर टू हंड्रेड नोटिकल माइल है ओके <laughs> तो ने का काम करो वहां निशान लगा के आओ जहां पर ई जैड अपना समाप्त होता है हमने लगा दी निशान कह रहे बस तो अब ये जो पूरा एरिया है आपका ये इंडियन कस्टम वाटर में काउंट किया जाता है और ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड दिस इज कॉल्ड टी डब्ल्यू आई क्या मैं ऐसा बोलूं कि टी डब्ल्यू आई वाला पानी और ई जेड वाला पानी दोनों को मिक्स कर दिया जाए मिला दिया जाए ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है इंडियन कस्टम वाटर ठीक यस सर और कौन दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है और इसकी जो कनेक्टेड वाटर बॉडीज हैं वो वो सब इंडियन कस्टम वाटर के अंदर ही काउंट की जाती है चाहे बे हो गल्फ हो क्रीक हो हार्बर हो टाइडल रिवर हो वो सारा का सारा आपका ऐसे काउंट किया जाता है लिखा है यहां पर एंड इंक्लूड्स एनी बे गल्फ हार्बर क्रीक और टाइडल रिवर ऐसे करके आगे चलते हैं मालिक आगे बोला गया है इंपोर्ट किसे कहेंगे <laughs> इंपोर्ट का क्या इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट बन जाता है वेरी सिंपल वेरी सिंपल मेरे बच्चा और यहां पर आकर मैं आपको बता दूं <coughs> मैं आपको बता दूं यहां पर आकर कि देखो जैसे ये करके है और इधर होता है अपना ये टी डब्ल्यू आई यहां तक फैला हुआ है अच्छा जी तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज़ कॉल्ड आउटसाइड इंडिया है ना हाँ जी और ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये कहलाता है आपका इंडिया इंडिया तो इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना अगर ये पार करके आ गए ना तो आपका ये इम्पोर्ट बन जाता है और अगर यहाँ से आप यहाँ चले गए तो यही क्रिया आपकी

गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट स्टोर में क्या निकल के आते मैं आपको बताऊं इधर इधर सामने स्टोर में क्या होता है जब कभी आप थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं अभी इसमें हरिद्वार गया था तो हरिद्वार जाते समय सबसे पहले मैंने काम किया गाड़ी का टैंक फुल करा लिया एक दिन पहले ही कि रास्ते में फैमिली के साथ जाएंगे तो बिना बात के पेट्रोल पंप रुकते तो हुए फिर रहे ऐसा नहीं एक गाड़ी का टैंक फुल करा दिया नंबर दो सुबह को निकलने से पहले अपने जो भी पूड़ी पराठे जो भी होता है सारा समुन खाने पीने का रास्ते में जो चाहिएगा हमें वो सब हमने अपना पैक करके रख लिया <laughs> पानी प्रॉपर रख लिया ताकि रास्ते में कहीं से कोई वाटर बॉटल वगैरह मांगने की जरूरत ना पड़े हमें यानी कि जो जो भी असेंशियल चीजें छी जो हमें यात्रा के दौरान हमें जिनकी जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी अपने साथ हमने कैरी कर ली और यही सारा सामान कहलाता है स्टोर्स तो ऐसे ही ये तो हरिद्वार भाई ढाई सौ तीन सौ किलोमीटर की दूरी हो गई लेकिन जो शिप जाते हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं उनकी चाल भी बड़ी धीमी होती है और महीनों महीनों की जर्नी होती है कई कई महीनों की जर्नी होती है समंदर के अंदर कौन सा पेट्रोल पंप है भाई वहां कौन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं जब हम बाई रोड जा रहे हैं फिर भी तैयारी करके जाते हैं तो समंदर में जब जहाज जाएगा महीनों महीनों के लिए और वहां कुछ भी नहीं है अंदर समंदर में तो बताइए क्या तैयारी करके नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से हाँ सर तो वही जो उसमें खाने पीने का सामान है इंसानों के और जो जहाज के खाने पीने के सामान है लाइक like फ्यूल हो गया स्पेयर पार्ट्स हो गए वगैरह वगैरह है ना तो ये सब का सब कहा जाता है स्टोर्स सिगरेट शराब किचन का सामान एंड ऑल इन सबको एक वहां पर मानो चलती फिरती दुकान होती है वो उसके अंदर यहां पे रखा जाता है दैट इज कॉल्ड स्टोर्स मीनस गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट अच्छा वेसल और एयरक्राफ्ट में जो इस्तेमाल किया जाता है और ये भी ध्यान देना ये भी शामिल किया जाए क्या भला फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स और इक्विपमेंट वेदर फॉर इमीडिएट फिटिंग और नॉट फ्यूल वगैरह हो गया या कुछ स्पेयर पार्ट्स भले उनकी अभी जरूरत ना पड़े लेकिन आपने सेफ्टी के लिए रखा हुआ तो वो भी आपका स्टोर में ही काउंट किया जाएगा हवाई जहाज में तो आपने पक्का यात्रा करी होगी तो एयर होस्टेस होते हैं वो अपना बहुत सारा सामान आपको चाय कॉफी ये वो फलाना ढिमका खाना पीना काजू वाजू सब आपको खिलाते पिलाते ले जाते हैं तो जो भी वो सामान है सारा का सारा वो आपका स्टोर्स कहा जाता है ठीक यस सर <coughs> आगे शब्द आता है यहां पर मालिक गुड्स गुड्स किसे कहते हैं तो इसमें लिखा है गुड्स इंक्लूड्स इसमें यह भी आएगा उल्टा पढ़ेंगे तो सीधा समझ में आएगा एनी अदर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी मूवेबल चीज हो उसे गुड्स कहा जाता है मैं कहता हूं अगर यही तक लिखकर छोड़ देते ज्यादा अच्छा रहता कोई भी मूवेबल चीज आपकी गुड्स कही जाती है लेकिन नहीं इनको तो चैन नहीं पड़ा स्पेसिफिक ज्यादा स्पेसिफिक हो गए क्या भला वैसल एयरक्राफ्ट व्हीकल इनको भी गुड्स कहा जाएगा स्टोर को भी गुड्स कहा जाएगा जो स्टोर होता है अपना जो पर्सनल लगेज है उसको भी गुड्स कहा जाएगा करेंसी और नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट होते इसको भी गुड्स कहा जाएगा कभी कभी ज्यादा बोलना नुकसानदायक होता है ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस हालांकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है करेंसी के ऊपर हम आपको बता दे बट ये गुड्स जरूर होती है अगर जीएसटी के अंदर देखोगे तो करेंसी को तो गुड्स भी नहीं माना गया है ना सर्विस माना गया है यहां पर भी ये गुड्स नहीं है और सर्विस का यहां पर कोई वास्ता है नहीं ये भी गुड्स है ओके ये भी गुड्स है ओके लेकिन यहां पर आकर फिर एक तलवार खिंच जाती है क्या भला वैसल एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह वैसल एयरक्राफ्ट दो तरीके के हो सकते हैं एक वो हो सकता है जो यूज किया जा रहा है एज कन्वेंस और एक हो सकता है आपका अदरवाइज एक आपका वो वैसल है जो यूज किया जा रहा है एज कन्वेंस और एक वो है जो आपका अदरवाइज होगा जैसे मान के चलिए मैं आपके एक illustration यहाँ पे रख के चलता हूं इलेस्टेशन <coughs> ये है पहला केस मालिक कि ये एक इंडिया के बाहर से वैसल आता है बड़ा वैसल है मदर वैसल और ये आ रहा है ऐसे करके ठीक इस वेसल का नाम है चेतक बड़े वाले का और इसके अंदर रखा हुआ है एक और वेसल जिसका नाम है सिम्ब्रिया नाम का एक छोटा वेसल इसके अंदर रखकर आ रहा है अब हमें दोनों के बारे में बताना है इसमें आके कि व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चेतक एंड व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्ब्रिया जो चेतक है हमारा जो चेतक है मालिक ये यूज किया जा रहा है एज कन्वेंशनल हाँ कन्वेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सिम्बरिया है यह अदरवाइज है क्या कहते हो जो अदरवाइज वाला है क्या इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे या नहीं करोगे यस करनी पड़ेगी इम्पो ड्यूटी का पेमेंट करोगे हां करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाकर आप इसे क्लियर कराओगे फॉर होम कंजम्पशन और उसके बाद उसके बाद आप इसे पानी पर रन करने का आपको मिलेगा लाइसेंस आपके मन में आ सकता था सर इसे जिस भी शिपिंग कंपनी ने इंपोर्ट किया होगा सिम्बरिया को तो क्यों बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है और क्यों वेसल में रख के ला रहा है सर ये पानी पर खुद भी तो आ सकता था नहीं ये पानी पर बिना इंडियन टैक्स का पेमेंट किए हुए नहीं आ सकता था पहले इसके ऊपर इंडियन टैक्स का जो है वो पेमेंट किया जाएगा जैसे गाड़ियों होती है ना गाड़ियां तो गाड़ी नई गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स ले लिया जाता है आपसे उसके बाद ही फिर आपकी गाड़ी रोड पर आ सकती है तो ऐसे ही पहले ही आपको ये सब करना पड़ेगा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी कस्टम डिपार्टमेंट से एनओसी जारी होने के बाद फिर आपको उसको रन कराने का लाइसेंस दिया जाएगा तो ऐसे वाले को क्या मैं इस सिंबरिया को क्या मैं मालिक गुड्स बुला सकता हूं कि नहीं हां सर गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमारी बात हो पाती है ये गुड्स भी है और ये गुड्स का ही अपना इंपोर्ट किया गया है जिसके चलते हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बन गई है हमें बताइए अब जो चेतक है एज ए कन्वेंस इस्तेमाल किया जा रहा है क्या ये इम्पोर्ट हुआ है हाँ सर इंपोर्ट तो हुआ है इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर से इंडिया में आना इम्पोर्ट तो हुआ है लेकिन क्या इसको मैं गुड्स भी बुला दूं भाई साहब हां तो ये लिखा हुआ था कि वैसल भी गुड्स होता है अगर मैं इसे गुड्स बुलाता हूं तो ये बन गया इंपोर्टेड गुड्स

तो ये जो परिभाषा यहां लिखी गई थी कि वेसल भी एयरक्राफ्ट है इस परिभाषा को इन्होंने आके यहां पर फिल्टर कर दिया है फिल्टर कैसे किया इवन दो इज कवर्ड अंडर द द द डेफिनेशन ऑफ गुड्स बट इफ एंटर्स टेरिटोरियल मियरली एज ए कन्वेंस अगर जा रहा है देन इट कैन नॉट बी सजेस्टेड दैट द वैसल वॉज इंपोर्टेड एंड अकॉर्डिंगली नो क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी वहां ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी तो इसके लिए हम यहां पर क्रक्स निकाल देते हैं कि जो एज ए कन्वेंस इस्तेमाल किया गया है वो तो आपका गुड्स नहीं है एंड जो आपका अदरवाइज है वो आपका यहां पर आकर मालिक गुड्स बना दिया जाएगा यानी कि जो चेतक था वो इस कैटेगरी में आ गया एंड जो आपका सिम्बरिया था वो यहां पर ऐसे करके साफ आ जाता है आई होप बात समझ में आ गई होगी हाँ बोलोगे तो अच्छा सा लगेगा प्लीज आगे है <coughs> इंपोर्टेड गुड्स और एक होता है आपका कोस्टल गुड्स इनमें बड़ी जंग चलती रहती है आपस में कोस्टल और इंपोर्टेड गुड्स की हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है जी साहब जी ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि यहां पर ऐसे ऐसे करके होता है और बीच में आपका ये आ जाता है सर जी यहां पर इधर आ ये नॉर्थ पोल है और इधर अपना ये साउथ पोल है ठीक यस yes, सर तो और ये बीच में आता है इनके ये कस्टम बैरियर कस्टम बैरियर आ जाता है <laughs> नॉर्थ पोल में कंट्रोल कस्टम्स का है तो इस एरिया में अगर कोई गुड्स है तो यहाँ पर गुड्स कहा जाता है आपका इंपोर्टेड गुड्स इस एरिया में पाया जाता है होता ना कोई सी वनस्पति कोई सा पौधा या पेड़ हिमालय की गोद में मिलेगा तो इस एरिया में जो पाया जाएगा वो इंपोर्टेड गुड्स है और साउथ पोल में जो मिलेगा आपका वो होता है कोस्टल गुड्स के नाम से बाबू मेरे जाना जाता है कोस्टल गुड्स इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप इंपोर्ट किया गया हो फ्रॉम इंडिया आउट इंडिया टू इंडिया यस सर सर एक तो पहली बात वो इंपोर्ट किया गया हो इंपोर्ट किया गया हो और मुझे बताना जरा सोच समझकर, इंपोर्ट किया गया हो और होम uh, कंजम्पशन के लिए क्लियर हो चुका हो या नहीं हो चुका हो क्या लिखूं मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो चुका हो या ना हो चुका हो जवाब दीजिए तो आगे बढ़ूंगा वरना मैं नहीं बढ़ूंगा आगे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो चुका हो या नहीं हो चुका हो आवाज नहीं आ रही मुझे आ, नहीं सर क्योंकि तो अगर होम कंज़म्पशन के लिए क्लियर हो गया तो मतलब ये पार कर दिया ना और ये पार करते ही फिर तो इंपोर्ट गुड्स नहीं रह जाता वो तो उस एरिया में होता है तो यहां पर आकर हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट किया गया हो और साथ में बोल दें नॉट क्लियर फॉर होम ये और अभी तक वो होम कंजम्पन के लिए क्लियर नहीं कराया गया है अभी वो होम कंजम्शन के लिए क्लियर नहीं कराया गया है कोस्टल गुड्स में कौन सा आएगा क्या मैं ये बोलू कोस्टल गुड्स में वो आ जाएगा कि आपका जो गुड्स है इंपोर्ट किया गया हो प्लस और क्लियर कराया जा चुका है क्लियर फॉर होम कंज़म्पशन है क्या वो आपका यहां पर आ जाएगा हाँ बोलो <laughs> बच्चा पूर्वा बता इंपोर्ट किया गया हो और क्लियर फॉर होम कंज़म्पशन है तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ गया क्या वो कोस्टल गुड्स कहा जा सकता है हां दूसरा अगर आपका मान लीजिए गुड्स इंपोर्ट ही नहीं किया गया मेड इन इंडिया आपका गुड्स है क्या वो भी कोस्टल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा कि नहीं आएगा ओ यस 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 इन दोनों में एक चीज मुझे और ऐड करनी है वो क्या है वो ये है मालिक कोस्टल कोस्ट समंदर का किनारा है ना वो साथ में वैसल के अंदर हो इन दोनों में कॉमन कंडीशन एक ये है कि वो मूव कर रहा हो वैसल के थ्रू वन इतने काफी है वो मूव कर रहा हो वैसल में ये जरूरी है कोस्टल कोस्ट coast पर किनारे पर मूव कर रहा हो वैसल के थ्रू ऐसे करके है मालिक आप बाजार से दूध लेकर आए हैं कभी <coughs> बाजार से कभी आप दूध लेकर आए हैं हाँ तो कौन कौन सा दूध होता है एक फुल क्रीम होता है एक टोंड होता है एक डबल टोंड होता है अच्छा हम्म मुझे देखकर बताएंगे यहां पर फुल क्रीम दूध कौन सा है मैं बोलूं हाँ ये देखो ये वाला ये जो है अपना ये फुल क्रीम है वो कैसे क्योंकि अभी इसे छुड़ाया नहीं गया है डिपार्टमेंट के लिए अभी ड्यूटी उतारनी बाकी है इस पे से इम्पोर्ट ड्यूटी नाम की मलाई उतारनी अभी बाकी है ये फुल क्रीम है ये जो आपका दिख रहा है ये आपका यह हो गया टोंड मिल्क टोंड मिल्क कैसे है ये ये था तो पहले फुल क्रीम ही इसकी मलाई उतारी जा चुकी है जब यह यहां से क्लियर गया, गया, होगा मलाई उतर गई अब ये टोंड बन गया है ये आपका डबल टोंड ये डबल टोंड कैसे है इस पर तो कभी मलाई पड़ ही नहीं सकती ये तो मेड इन इंडिया है इसके ऊपर तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात कभी हो ही नहीं सकती सब आसान है जो नॉर्थ पोल में वो इंपोर्ट है जो साउथ पोल में वो आपका कोस्टल है बस इतना ध्यान रखना एक बात कोस्टल मतलब जो ऐसे मूव इन इनवे हो रहा हो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी हाँ बोलो हा बोलते रहकर मुझे अच्छा लगता है इंपोर्टेड की परिभाषा पढ़ लीजिए इंपोर्टेड गुड्स मीन एनी गुड्स ब्रॉट इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउट इंडिया यानी कि इंपोर्ट किया गया हो ठीक बट डजेंट इंक्लूड गुड्स वो शामिल नहीं होगा विच हैच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन तो आसान भाषा में क्या बना इंपोर्ट किया गया हो और होम कंजम्शन के लिए क्लियर ना करा गया हो उसे बोलेंगे इंपोर्टेड गुड्स यानी कि जो नॉर्थ पोल का है वो यहां आएगा कोस्टल गुड्स मींस एनी गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स अदर जो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है वो कोस्टल बन जाएगा जैसे इसका रेफरेंस क्या क्या आ गया अदर देन इंपोर्टेड यानी कि वो या तो आपने क्लियर करा लिया हो या इंपोर्ट ही ना किया हो उसकी जो दो कंडीशन थी उन्हीं को तो मैंने वायलेट किया है पहली वाली कंडीशन अगर इंपोर्ट ही ना हुआ हो तो मतलब मिड इन इंडिया गुड्स हो या फिर नॉट uh, क्लियर का इसमें मैंने कर दिया इंपोर्ट तो किया है पर क्लियर करा लिया दोनों कंडीशन को तोड़ के दो केस बना दिए मैंने और बन गया अपना कोस्टल गुड्स और क्या बोलता है यहां पर बोलता है ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया

कोस्टल का मतलब या तो वो इंपोर्टेड था और वो क्लियर कराया जा चुका है ड्यूटी दी जा चुकी है छोड़ो वैसे वे ये वेस्ट है आपके लिए या फिर वो मेड इन इंडिया गुड्स जिस पर ड्यूटी बनती ही नहीं है तो कोस्टल गुड्स को देखकर अधिकारी चले जाते हैं छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है जान दो लेकिन इंपोर्टेड अगर हुआ तो पीछे लग जाते हैं उसके ठीक है यहां पर यह एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप इन्हें पढ़ के देख सकते हो इंपोर्टेड uh, और कोस्टल गुड्स को लेकर ऐसे करके मालिक कर। आगे आता है आपका ड्यूटी एबल गुड्स हाँ ड्यूटी एबल देखिए ड्यूटी एबल गुड्स ड्यूटी एबल गुड्स पहले मैं आपको बता दूं देखो एक होता है अपना आ, इंपोर्टेड गुड्स जो अपने इंपोर्टेड गुड्स होते हैं ना अभी जो पढ़ के आए हैं उनमें दो तरीके के हो सकते हैं वो अपना ड्यूटी एबल भी हो सकता है और वो अपना नॉन ड्यूटी एबल भी हो सकता है नॉन ड्यूटीबल भी हो सकता है अब जो ड्यूटीएबल है उसका क्या बोलेंगे परिभाषा क्या लिखी जाएगी सर वो ड्यूटी एबल जिस पर ड्यूटी बै बनती हो है ना That is, जो एटलीस्ट आपका इंपोर्ट हो इम्पोर्ट किया गया हो कब बोलू ड्यूटीएबल ड्यूटी दुटी पे करने से पहले ड्यूटेबल कहा जाता है या ड्यूटी पे होने के बाद ड्यूटेबल कहा जाता है क्या आप मैरिजेबल हैं शादी योग्य है हाँ सर हम सीए बन जाएंगे अभी तो नहीं हो इस स्टेज में आप मैरिजेबल नहीं है न कल को जब सीए बन जाओगे तो शादी पार्टी में जाया करोगे कहीं पर तो वहाँ शान हो गया आप सब देखेंगे अच्छा अपनी मुनिया के लिए देखो लड़का कैसा गया, आ, देखो आप खूबसूरत हो जाते हैं अच्छा पैकेज है नया लड़का सीए है, है और सुंदरता बढ़ जाती है सुंदरता फेर नवरी से कभी नहीं आती वो वो आती है आपकी काबिलियत से तो बन जाएंगे अच्छा सा पैकेज होगा तो वहां पर आप मैरिजेबल होंगे थर्ड स्टेज पर आकर आपकी शादी हो चुकी है मान लीजिए क्या स्टिल आप मैरिजेबल हैं no. तो के दौरान मेरी और शादी हो चुकी है मैं भी मैरिजेबल अब नहीं हूं हिंदू धर्म एक ही शादी है और आप अभी योग्यताई पजस नहीं करते हैं उसकी क्योंकि आप सीए ही नहीं हैं कौन पिताजी अपनी मुनिया का हाथ आपके हाथ में देंगे क्यों जी <laughs> तो यहां पर आकर वो गुड्स जो इंपोर्ट किया गया हो जिस पर ड्यूटी बनती हो बट नॉट पेड यट जिस पर कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, बचा के रखी है उसे कहा जाएगा ड्यूटी एबल गुड्स यही होगा ना हाँ। दूसरा जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ना यहां पे आके <coughs> यहां पे आके मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई पहली स्थिति आपकी ये है कि यहाँ हैं आप सी ए स्टूडेंट हैं फिर यहां सी ए बन जाएंगे और भारत मेट्रिमोनी पर सर्चिंग में होंगे और यहाँ आप सी ए तो हैं ही हैं साथ में आपकी मैरिज भी हो गई है तो यहां हैं आप मैरिजेबल यहां हैं मैरिजेबल यहां मैरिजेबल नहीं थे यहां पर भी मैरिजेबल आप नहीं थे ऐसे ही ड्यूटेबिलिटी ड्यूटेबिलिटी आपकी यहां तो होती है यहां नहीं होती वो गुड्स जो इम्पोर्ट किया गया था ड्यूटी पे कर चुके हैं ड्यूटी नहीं नहीं आएगी या वो गुड्स जो मेड इन इंडिया है जिस पर ड्यूटी बनती ही नहीं है वो नहीं आएगा आप इन दोनों कंडीशंस के अगेंस्ट जाके देख लीजिए मैं बोल रहा हूं जो इम्पोर्ट हो अगर आपने इम्पोर्ट ही नहीं किया है मेड इन इंडिया गुड्स है तो ऑबियस बात है आपका वो नॉन ड्यूटीबल कहा जाएगा दूसरा वो गुड्स जिस पर आप इंपोर्ट किया था और ड्यूटी का पेमेंट कर चुके हो वो भी गुड्स आपका अब नॉन ड्यूटेबल कहा जाएगा अभी शर्ट मैंने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करी बट ड्यूटी का पेमेंट इस पर पे हो चुका है ये ड्यूटी ये इंपोर्टेड है क्या सर ये बाहर आके निकल के अब अब ये ये ना ना तो बची और ना ही अभी ये पर आकर ड्यूटीएबल बची है वैसे करके आपको कभी कभी और ड्यूटिएबल की परिभाषा में भी कंफ्यूजन आ, आ सकती है तो परेशान मत होइए इंपोर्टेड वो जो इंपोर्ट किया गया हो और अभी छोड़ाया ना हो उन्हीं के कंट्रोल में पड़ा हुआ वहां तक इंपोर्टेड होता है और इंपोर्टेड के अंदर दो बातें होती हैं नॉन ड्यूटेबल और ड्यूटेबल और ड्यूटेबल को मैंने आपको यहाँ पे बताया है जो इंडिया के बाहर से आया और क्लियर नहीं कराया हुआ वो ड्यूटेबल नॉन ड्यूटेबल कैसा भी हो सकता है जिस पे ड्यूटी भर दी गई है वो अब नॉन ड्यूटेबल बन जाएगा जब तक नहीं भरी गई है तब तक वो ड्यूटेबल अपना बना रहेगा इज इट फाइन बाबू मेरे बताना प्लीज जरा यस yes, सर कहते हैं ड्यूटेबल गुड्स मीनस एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी जिसपे ड्यूटी चार्जेबिलिटी तो क्रिएट होती है ऑन विच ड्यूटी है तब तक ड्यूटी कहा जाएगा आप अमीर तब तक, जब तक आप जोड़ा हुआ पैसा अपने पास बचा के रखा है जब सारा पैसा खर्च कर दोगे आप तो फिर आप अमीर की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे इन एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड इट वॉज हेल्प डेट एक्सप्रेशन चार्जेबल ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड इंडिकेट ड्यूटी हैज बीन पेड मतलब व्हेन ड्यूटी इज पेड ऑन एनी गुड्स दैट आर चार्जेबल ड्यूटी सच गुड्स सीज टू बी वो कह रहा है कि अगर आपने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया तो अब वो ड्यूटेबल नहीं रह जाएगा यानी जिसकी शादी हो चुकी है अब वो मैरिजेबल नहीं रह जाएगा या जो एलिजिबल ही नहीं है यानी कि थर्ड स्टेज जो थी और पहली स्टेज उसको मना किया गया कि वो नहीं है फर्दर द गुड्स ऑन विच नो ड्यूटी इज ड्यूटीबल जिस पर ड्यूटी लेवी ही नहीं होती है आपके अंदर अभी शादी की एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपको भी यहां पर मैरिजेबल नहीं कहा जा सकता है इसको भी यहां पर ड्यूटी एबल नहीं कहा जा सकता है वो तीन स्टेज है बीच वाली स्टेज पर ड्यूटेबल है आजू बाजू वाली स्टेज पर ड्यूटेबल नहीं कहा जाएगा यस yes, सर और को दिक्कत वाली बात नहीं है और हाँ ये आपके पास जो मोबाइल रखा रहता है ना और क्लास करते करते आप इसमें ये टिकटॉक चलता रहता है घंटी बजी आपने देख लिया फिर यहां देख लिया ये देख लिया मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं आपका मोबाइल कि आप अपने साथ मोबाइल कैरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी जब क्लास चल रही होगी आप मोबाइल नहीं रखेंगे बेईमानी मत करना मेरे साथ में बस इस बात का ध्यान रखना आप और हम जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी से करके चलेंगे पूरी ईमानदारी से अगर आपने मोबाइल अपने पास रखा एक भी दिन रखा मेरे पास कैमरा मोड होता है मैं आपको देख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो हालांकि मैं देखता नहीं हूं अगर आपके पास मोबाइल दिखा तो आपका मोबाइल में सीज करा दूंगा और फिर उसे कन्फिस्केट करेंगे ओनरशिप अपने नाम में ट्रांसफर करूंगा फिर भरे बाजार से नीलाम करेंगे और जो भी पैसा आएगा उसे सब लोग मिलकर समोसे खा लेंगे पार्टी कर लेंगे नहीं सर सर हमारे तो ऑफिस से जरूरी कॉल आ सकता है ये वो फरान डेम का अब कुछ को केस हो सकता है कि ज्यादा कुछ अर्जेंट हो कुछ सरकम ऐसे रहे हो तो स्पेसिफिक केस में कुछ बच्चों ने मुझसे परमिशन ले ली के ठीक है सर देख लो मैं ठीक है रखो लेकिन साइलेंट मोड पे रहेगा उन्होंने कहा ठीक है जी जैसे घंटी बजेगी मोबाइल सीज कॉन्फिस्केट करूंगा भरी बजा नीलाम कर दूंगा तो जिस केस में हमने बोला कि मोबाइल रख ही नहीं सकते नो मींस सिर्फ नो होता है एप्सल्यूट प्रोहिबिशन योगी आपकी एप्सोल्यूट प्रोहिबिशन मालिक कर दी जाती है और दूसरी बात यह कि मोबाइल अपने साथ कैरी कर सकते हो रख सकते हो बट शर्त यह है कि वो साइलेंट मोड पर रहेगा यह है कंडीशनल प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन तो बट कंडीशनल है कंडीशन फॉलो कर ली तो ओके okay, नहीं की तो आपका प्रोहिबिटेड गुड्स बन जाएगा वही लिखा है पर आकर क्या भला एनी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच आई सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट और इन अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स जैसे कि जो ऑनियन है प्रोहिबिटेड कर दिया उसको एक्सपोर्ट करना क्योंकि यहां पर ही डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी जो हाथ तो ये आ गया जी ये एप्सुलूट प्रोहेबिटेड एक्सक्लूड कर देंगे इसको प्रोहेबिटेड नहीं माना जाएगा कौन से वाले को उस वाले को जिस पर कंडीशनल प्रोहिबिशन थी और वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा था तो ऐसे गुड्स को प्रोहेबिटेड नहीं माना जाएगा एक्सक्लूडिंग एनी सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेसिफाइड कंडीशन है उसको नहीं माना जाएगा ठीक ओ यस 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 तो ऐसे करके मालिक आपका ये प्रोहिबिटेड गुड्स की बात यहां पर आकर हो जाती है आगे बोलते इंपोर्टर कौन है आप हमें बताइए सब टीचर कौन होता है हुँ? जो पढ़ाए वो टीचर्स जो खेले वो प्लेयर्स जो फार्मिंग करे वो फार्मर तो जो इंपोर्ट करे सो इंपोर्टर जो बोले सोनिहाल आइए बात करते हैं <coughs> पहला केस यहां पर एक गुड्स यहां से टप्पा खिलाया और कौन लेकर आया ये आपका टी डब्ल्यू आई है और यहां मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स को इंडिया में लेकर आया है मुझे बताइए इस केस में इम्पोर्टर कौन है इम्पोर्टर इज मिस्टर एक्स यही इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करेगा मिस्टर एक्स ही ड्यूटी का पेमेंट करके चलेगा गड क्वेश्चन नंबर दो ऐसा था कि जो गुड्स था तो इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट किया यहां तक लेकर आया मिस्टर एक्स इसने यहां पर आकर इसे बेच दिया सोल्ड आउट कर दिया टू मिस्टर वाई इंपोर्ट किया एक्स ने इंडिया से इंडिया के बाहर एक्स लेकर आया और एक्स ने फिर से इसको बेच दिया अब दूसर यहां खाया, अब दूसरा टप्पा इसको लेकर आया है यहां पर मिस्टर के बाद हाँ, y, y लेकर आया है इंपोर्टर कौन इंपोर्टर मतलब जो इंपोर्ट करे और इंपोर्ट का मतलब जो इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए उसे इंपोर्टर बोल दिया जाता है साहब ठीक जो इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए उसे इंपोर्टर बोल दिया जाता है और इंपोर्ट किया है यहाँ एक्स ने तो इस केस में भी एक्स ही मेरा इंपोर्टर बनेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर मैं एक्स को इंपोर्टर बनाता हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या मैं एक्स से कलेक्ट कर पाऊंगा एक्स तो गायब हो चुका ना वो तो अपना माल वाई को बेच पैसे लेकर गायब हो गया तो ऐसे में एक्स को इम्पोर्टर मानना समझदारी नहीं है इंपोर्टर मानिए वाई को जो भी कि अभी यहां पर फंसा हुआ है तो हमने कहा कि ठीक है ओके मिस्टर एक्स को नहीं मानेंगे यहां पर इंपोर्टर बनेगा मिस्टर वाई इम्पोर्टर बनेगा मिस्टर वाई दैट इज जो नया ओनर है न्यू ओनर इन नॉर्थ पोल न्यू कह लो या लेटेस्ट कह लो लेटेस्ट लिखूंगा मिस्टर वाई दैट इज लेटेस्ट ओनर इन नॉर्थ पोल ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका नॉर्थ पोल है और यहां पर वाई इसे यहां लेकर आया वाई नॉर्थ पोल में ही ये गुड्स किसी और को बेच देता वो किसी और को बेच देता तो हो सकता है यहां पर दस ट्रांजैक्शन हो जाती नॉर्थ पोल के अंदर ही तो जो लाखरी जो लेटेस्ट होता जो आखिरी होता आखिरी ओनर जो होगा जो गुड्स को क्लियर कराने के वक्त उसका मालिक रहा होगा उस बंदे को यहां पर उस ओनर को यहां पर इंपोर्टर बोल दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे नंबर तीन पर आइएगा इस बार क्या है कि इंडिया के बाहर से ये सपोज कीजिए यहां पर शू कंपनी है इन्होंने अपना एक कंसाइनमेंट एजेंट इंडिया में रखा हुआ है यह यहां से यहां माल भेजते हैं और यह फिर इंडिया में इस गुड्स को सोल्ड आउट करके चलता है इसका एजेंट है ये। हमें ये डे डे है हमें बताइए अपना क्या इसका इंपोर्टर कौन है सर <coughs> सर इसका जो इंपोर्टर है वो इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया है उन्होंने ट्रांसफर किया भेजा है इसने नहीं इंपोर्ट किया उसने भेजा है इंपोर्टर अभी तक तो सर इसमें यही दिख रहा है ट्रांसफर ही क्या क्या मुझे इतना बताइए जो आपका ये एजेंट है क्या इसने इंपोर्ट किया नहीं क्या ये इसका मालिक है मालिक यही है एजेंट मालिक नहीं होता है तो ना इसने इंपोर्ट किया ना ही ये ओनर है लेकिन लग ऐसा रहा है कि इंपोर्टर तो हमें यही को बनाना पड़ेगा क्योंकि गुड्स को छुड़ाने के लिए ये एजेंट ही तो जाएगा यही तो अपने कंट्रोल में गुड्स लेकर आएगा क्योंकि रिबॉक तो आने से रहा है यहां पर बनाना तो इसी को लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना तो ना तो ना तो इसने इंपोर्ट किया है ना किया और ना ही ये ओनर है हमारे ऊपर जो तथ्य थे वो खत्म हो गए ना ही ओनर है तो ऐसे में एक तीसरा पॉइंट निकाला गया कोई बात नहीं जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग हो मेरे पास मां है आए? जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग हो जो छाती पीट पीट कर कह रहा हो कि साहब मैं हूं मैं ही हूं मेरे अलावा इस गुड्स का सगा कोई भी नहीं है मेरे पास बिल ऑफ लीडिंग है जो होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर जो सबके समक्ष अपने आप को इंपोर्टर के तौर पर प्रदर्शित कर रहा है हैविंग बिल ऑफ लीडिंग के साथ में ऐसे व्यक्ति को यहां पर हम इंपोर्टर मानकर चलेंगे और ड्यूटी लेकर उस व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी वहां पर दे दी जाएगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ये बात मालिक हो जाती है उसके बाद नंबर चार पर आइएगा नंबर चार पर क्या भला कि ये हो गया जी अपना यहां पर आकर अमरीका हो गया और मुझे कुछ गुड्स इंपोर्ट करना है राज मैंने कभी इंपोर्ट नहीं किया मैंने एक एजेंसी को हायर किया और मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए गुड्स इंपोर्ट कर दीजिए इंपोर्ट किया इन्होंने सारा कुछ मेरे कहने पर ओनर ये हैं लेकिन इसका बेनिफिशियल इंपोर्ट इन्होंने किया है लेकिन इसका जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो मैं होऊंगा मेरे लिए इंपोर्ट किया है मेरे लिए एजेंसी ने इंपोर्ट किया है इंपोर्ट किया है उसने लेकिन मेरे लिए किया है ठीक तो ऐसे वाले केस के अंदर हमें बताइए ऐसे वाले केस के अंदर मालिक ये जो गुड्स है ये जो इंपोर्टर है किससे माना जाएगा राज को या एजेंसी को जब ओनरशिप मेरे नाम पर दी गई है बाकी सारा काम उन्होंने किया पार्टी से डील करना इनवाइसिंग कराना ये करना वो करना फराना सब कुछ मैं घर बैठा रहा सारा काम उन्होंने किया अपने बीच में कमीशन लिया काम करने के बदले यहां पर कौन बनेगा सर इंपोर्टर बनेगा राज उसी का गुड्स है वो यहां ड्यूटी बनने के लिए सामने आएगा ऐसे करके बोल देते हैं तो जो भी लेटेस्ट ओनर है या जो छाती पीटता है या जो बेनिफिशियल ओनर है है ना उन सबको यहां पर इंपोर्टर का दर्जा दे दिया जाता है आइए पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है इंपोर्टर इन रिलेशन इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड द टाइम वेन दे आर क्लियर फॉर होम कंजम्पन मतलब कब जब आपका गुड्स नॉर्थ पोल में एट एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड द टाइम क्लियर फॉर होम कंज़म्पशन यानी कि जब गुड्स आपका नॉर्थ पोल में है ठीक बोला मैं उस समय इंपोर्टर का डिसीजन हो जाता है नॉर्थ पोल के बाद डिसीजन नहीं होता वहीं हो जाता है नॉर्थ पोल में ही इनक्लूड्स ये भी ये भी का मतलब क्या एक आम ओपिनियन ये तो बनी गई कि जो इंपोर्ट करे सो इंपोर्टर जो इंपोर्ट करे सो इंपोर्टर इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि अंडरस्टूड है कोई भी जानता है इंक्लूड्स ये, ये भी है एनी ओनर कौन सा वाला आखिरी वाला आखिरी वाला ओनर हो गया बेनिफिशियल ओनर लास्ट वाले केस में जो करके दिखाया एनी ओनर या बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इंपोर्टर जो छाती पीट पीट के बता रहा था कि मैं इंपोर्टर हूं जो अपना एजेंट था कंसाइनमेंट एजेंट मालिक उस प्रकार से यहां पर बात कर दी जाती है बेनिफिशियल ओनर का मतलब बता रखा एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बींग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और हु एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स मेरे बिहाफ पर मेरे लिए गुड्स इंपोर्ट किए गए थे ना आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है तो ये है आपकी परिभाषा कुछ केसेस यहां दे रखे हैं आपके कि भाई कैसे कैसे करके है एक्सपोर्टर मिस्टर ए था मिस्टर बी परचेज करता है गुड्स और इशू करता है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट जस्ट लाइक बैंक गारंटी <coughs> इरिवोकेबल मतलब खंडन नहीं हो सकता तोड़ी नहीं जा सकती है वो क्योंकि होता क्या है कि जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो मैं चाहता हूं पहले गुड्स आ जाए बाद में पैसे दूंगा एक्सपोर्टर चाहता है पहले पैसे आ जाए बाद में गुड्स देंगे तो पहले पैसे दो पहले गुड्स दो पहले पैसे दो पहले गुड्स दो ये चर्चा चलती रहती है तो इसमें दोनों देश के बैंक सामने आ जाते हैं मेरा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ अमेरिका मेरा बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका को बोलता है कि बोल दे अपने बंदे को मेरा बंदा मेरे पास में आया इंपोर्टर बैंक के पास में जाता है और इस बंदे के बिहार पर बैंक की आगे अगले बैंक ऑफ अमेरिका को बोलता है कि अपने बंदे को बोलना टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है उनको फुलफिल करे पैसे की जिम्मेदारी बिल्कुल ना करे पैसे हम देंगे ये ऐसा कहलवाने के लिए यह बंदा बैंक गारंटी देता है अपने बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई मेरे यहां पर यह बोल से चिंता ना करें बचहत्तर की माल वही हो जो मैंने मंगाया है सफेदी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ वैसा ही होना चाहिए तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर एक इश्यू जाता है गुड्स इंडिया में आ जाता है सब कुछ ठीक ठाक है तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिक, अमेरिका को पेमेंट करेगा बैंक ऑफ अमेरिका अपने बंदे को वहां पर पेमेंट कर देगा ऐसे करके होता है ए रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ ए इश्यू कर देता है इंपोर्टर कौन है मिस्टर बी ही है सिंपल केस मिस्टर एक्सपोर्टर मिस्टर ए है मिस्टर बी परचेज करता है गुड्स एंड इश्यू करता है कर आपके नॉर्थ पोल में थे यानी कि छुड़ाए नहीं गए थे सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा इंपोर्टर सी बन जाएगा यानी कि जो न्यू ओनर है वो यहां पर आकर आपका इंपोर्टर बन जाता है मिस्टर ए मिस्टर बी परचेज करता है गुड्स एंड अप्रोच करता है कस्टम ब्रोकर ये कस्टम ब्रोकर वैसे होते हैं आर ओसी के बाहर नहीं मिल जाते दलाल मिल जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं दलाल मिल जाते हैं वहां पर कि भाई एक काम करा लो अपना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने जाएंगे वहां भी आपको दलाल मिल जाते हैं वैसे ही आपके ये होते हैं कस्टम ब्रोकर पैसे लेते हैं और क्लियरेंस कराते हैं बस वहां से क्लियरेंस के एजेंट हैं अच्छी जान पहचान होती है फटाफट से सारे कागज पत्र तैयार करके आपके गुड्स को वहां से क्लियर करवा दिया जाता है मिस्टर भी अप्रोच करता है कस्टम ब्रोकर को मिस्टर डी फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए मिस्टर डी कस्टम ब्रोकर हैज फाइल करता बिल ऑफ एंट्री विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विद मिस्टर बी तो मिस्टर डी ने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी भैया जी और मिस्टर बी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगाया था डी तो एजेंट है सिर्फ क्लियरेंस एजेंट कंसाइनमेंट एजेंट भी नहीं है क्लियरेंस एजेंट है जो भी पांच हजार रुपए लेकर कराएगा सर मिस्टर बी बी इज द ओनर सर उसका वो है मिस्टर ए एजेंट ऑफ मिस्टर ये, इस जो ई e है इस बार ये कंसाइनमेंट एजेंट वाला केस है जिसके नाम पर बिल ऑफ लीडिंग इशू किया गया था इस ऊपर वाले एजेंट में इस एजेंट में फर्क है वो क्लियरेंस एजेंट है सिर्फ कस्टम ब्रोकर इसे कह रहे थे मिस्टर 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 ए ए एजेंट ऑफ अपॉइंट करता है टू तो सेल सच गुड्स सेंट बाय तो ई जो है यहां पर जो एजेंट जो छाती पीट पीट कर बोलेगा उसी को यहां पर बना दिया जाएगा मालिक इंपोर्टर के तौर पे यहां पर कंसिडर कर दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सर जी एकदम ठीक है और कौन दिक्कत वाली बात नहीं है चलो आगे एक्सपोर्ट का मतलब क्या है साहब सर इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट कहा जाता है वेरी गुड बहुत अच्छा टेकिंग आउट टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया ये अपना बन जाता है ऐसे करके एक्सपोर्ट गुड्स क्या है और एक्सपोर्टर कौन है सर एक्सपोर्ट गुड्स मतलब एक्सपोर्ट मैं आपको बताता हूं देखो ऐसा होता है मेरे भूरा <coughs> कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्रमाइसिस है ठीक है ये हो गया आपका होम या आपकी फैक्ट्री हो गई फैक्ट्री हो गई ये यहां पर पोर्ट हो जाता है और फिर यहां से अपना यह टी डब्ल्यू आई है टी डब्ल्यू आई ठीक ऐसे करके यहां तक तो आप ट्रक के माध्यम से गुड्स को यहां से यहां लेकर आते हैं तो इस पॉइंट पर जो है वो सिर्फ आपका गुड्स ही है क्योंकि अभी तक उसमें एक्सपोर्ट गुड्स के लक्षण नहीं आए हैं जब पोर्ट पर पहुंच जाते हो तो आप अपना जो भी उसमें शिपिंग बिल वगैरह फाइल कर देते हो एंट्री कर दिया आपने गुड्स की जैसे बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्ट गुड्स के लिए होता है ऐसे जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके लिए शिपिंग बिल होता है तो शिपिंग बिल आपने फाइल कर दिया है अब गुड्स का स्टेटस आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट गुड्स का स्टेटस आ जाएगा मालिक ठीक है फिर आपका गुड्स यहाँ जहाज में लोड होकर इधर टी डब्ल्यू आई को पार कर जाता है पार करने पर यहां गुड्स का स्टेटस क्या है अब ये एक्सपोर्ट गुड्स नहीं है अब ये एक्सपोर्टेड गुड्स है एक्सपोर्ट किया जा चुका है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर ले जाया जाने वाला है और जो पहुंच गया है वो क्या वो एक्सपोर्टेड गुड्स है ठीक यस सर वो एक्सपोर्टेड गुड्स में आ जाता है ये एक्सपोर्ट गुड्स है तो मीन्स एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन सामने विच आर टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उसे यहां पर हम बोलकर चलते हैं भाई एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्टर कौन सर वही जो इंपोर्टर की डेफिनेशन है वैसे फ्लिप कर दीजिए एक्सपोर्टर की डेफिनेशन आपके सामने बन जाती है तो इंक्लूड्स एनी ओनर बेनिफिशियल ओनर या होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द एक्सपोर्टर वैसे करके है आगे आती आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉरन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट ये क्या होता है मालिक इसकी यहां पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं फॉरन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट अच्छा जी ये डेफिनेशन आपके दो हिस्सों में बटी हुई है एक इसका मीन्स पार्ट है एक इसका इंक्लूड्स पार्ट है मीन्स पार्ट में कह रहे हैं फॉरेन गोइंग वेसल का मतलब सिंपल आसान भाषा में बोलूं तो इंटरनेशनल वेसल दो तरह की जर्नी होती है एक डोमेस्टिक जर्नी, जर्नी होती है एक इंटरनेशनल जर्नी होती है दो ही तरह के वैसल होते हैं एक हवाई जहाज भी होते हैं इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अब हमें बताइए एक बात अगर कोई वैसल मुंबई पोर्ट से यूएसए पोर्ट की तरफ जा रहा है जा रहा ना ये हां जा रहा है आप इसको आप इसे फॉरन गोइंग वैसल बोलेंगे या नहीं इंटरनेशनल वैसल बोलेंगे या नहीं सर जो विदेश जा रहा है ऑब्वियस ही बात है उन फ्लाइट्स को या वैसल को जो भी अपना इंटरनेशनल वैसल ही बुला के चलते हैं यस yes, सर दूसरा अगर यूएसए अगर यूएसए पोर्ट से मुंबई पोर्ट की तरफ रहा है बाहर से रहा है आ रहा है मतलब अब बताओ इसका क्या कोई अगर फ्लाइट न्यूयॉर्क से आ रही है इंडिया के लिए आप ऐसी फ्लाइट को क्या बोलोगे डोमेस्टिक फ्लाइट है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ना हां सर इसको भी फॉरेन गोइंग वेसल बोला जाएगा हालांकि लिटरली पढ़ने से ऐसा लगता है गोइंग जाने वाले पर इसमें जा रहा हो या आ रहा हो गोइंग वर्ड में दोनों आ जाते हैं यानी इंटरनेशनल जर्नी के जो वेसल और एयरक्राफ्ट हैं, उनको यहां पर शामिल किया जाता है मुंबई पोर्ट से वेसल चला केरला होते हुए वो अमेरिका पहुंचेगा मतलब कुछ ऐसे जा रहा है समझना बात को जरा यहां से चलता है यहां से यहां होते हुए ये फिर अपना ऐसे जाएगा एक फ्लाइट है दिल्ली से चली और दिल्ली से उसका एक घंटे का हॉल्ट कोलकाता में है दिल्ली से कोलकाता पहुंचेगी कोलकाता से फिर आगे बैंकॉक के लिए जाएगी मुझे एक बात बताइए तो अगर बीच में हॉल्ट आ गया घंटे भर का तो क्या आप उसे डोमेस्टिक फ्लाइट बोलोगे नहीं साहब ऐसा तो नहीं है कलकत्ता जाके मन बनाया होगा चलो भैया बैंकॉक भी चलते हैं आज मन क... हो रहा है ऐसा बैंकॉक चलते चलो ऐसा नहीं है वो तो पहले से पता होता है कि यहां से पहले कलकत्ता हॉल्ट हॉल्टेगी दो घंटे का उसके बाद बैंकॉक जाएगी ये ऐसे करके होता मालिक समझ में आ गई बात हाँ सर जी तो भाई उसमें यह कह रहा है कि पहले मुंबई से चला केरला पहुंचा केरला से फिर ऐसे करके जाना तो जर्नी तो एक ही है ये। बीच में यहां से इस जर्नी का ओरिजिन ये है इस जर्नी का डेस्टिनेशन ये है हाँ बीच में अगर कोई इंडियन पोर्ट आ जाता है इंटरमीडियरी तो इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये वेसल भी आपका फॉरन गोइंग वेसल बना दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक मालिक यस सर आइए यहां तक पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है इस डेफिनेशन के अंदर बताया जाता है कि भाई कन्वेंस क्या था अरे कन्वेंस तो अपना कन्वेंस है ही है वेसल एयरक्राफ्ट वगैरह व्हीकल का मतलब वही यूज ऑन लैंड और इंक्लूड्स और रेलवे व्हीकल वगैरह वगैरह हाँ हम आ गए फॉरन गोइंग वेसल पर और इस परिभाषा के अंदर दिया हुआ है फॉरन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का मतलब एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द टाइम बींग एंगेज इन कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर अच्छा जो गुड्स या पैसेंजर को लाने ले जाने में इन्वॉल्व है बिटवीन बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया एक सिरा इंडिया में एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया और एक सिरा इंडिया के बाहर और इन बिटवीन इन बिटवीन का मतलब क्या बाबू जा रहा हो या आ रहा हो या दोनों सर दोनों एक इंडियन एयरपोर्ट और एक आउटसाइड इंडिया एयरपोर्ट यूएस एयरपोर्ट इन दोनों के बीच में जो काम कर रहा है यानी कि इंटरनेशनल जर्नी में लगा हुआ है ऐसे वाले वैसले एयरक्राफ्ट को बुलाएंगे हम फॉर्न गोइंग वैसले एयरक्राफ्ट और हां इस बीच में आने जाने में अगर कोई इंडियन पोर्ट बीच में आता है या एयरपोर्ट बीच में आता है तो, तो फर्क नहीं पड़ेगा वेदर टचिंग टच में टच में वीडियट पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया और नॉर्थ ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है लेना वो तो हमने देख लिया जो आम ओपिनियन है कि भाई आने जाने वाले जो इंटरनेशनल जर्नी में इन्वॉल्व है सीधा बोलू ना जो इंटरनेशनल जर्नी में इन्वॉल्व है वो आपके यहां पर आ जाते हैं सीधी बात नो बकवास अब कुछ स्पेसिफिक बात करी जा रही है कहते हैं एनी नेवल वेसल आ हा हा एनी अर्ज किया है और फरमाइएगा एनी नेवल वेसल ऑफ फॉरन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइज इतना बोला गया है यह है यूएस नेवी का वैसल और यह इंडिया के बाहर से मालिक इंडिया में आ रहा है मान लो ये आ रहा है अपना यहां पर वॉर प्रैक्टिस करने के लिए खेलने के लिए आ रहा है आह देखे जरा किस्म कित सीधे किस्म कितना है दम ये देखने के लिए आ रहा है वॉर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा है तो मैंने इलेस्ट्रेशन बनाया यहां पे आके बताना जरा नेवल वेसल ऑफ यूएसए गवर्नमेंट अगर यहां खड़ा है यहां यहां तीन लोकेशन दी हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जब यह इस लोकेशन पे था यहां इसका तेल निकल गया आई टू से तेल खत्म हो गया है और इधर से हमने इसे यहां पर दी है फ्यूल की सप्लाई दे दी है फ्यूल कह लो या आप इसे स्टोर कह लीजिए हमने इसको स्टोर सप्लाई कर दिया है आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं अगर स्टोर सप्लाई किया जाता है एक इंटरनेशनल जर्नी वाले व्हीकल या वेसल को तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है बे आई रिपीट अगर स्टोर्स सप्लाई किया जाता किसी इंटरनेशनल जर्नी वाले वेसल या एयरक्राफ्ट को तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है तो यहां से फ्यूल वगैरह सप्लाई किया जाता है हमें बताइए क्या मैं इसे इस लोकेशन पर फॉरन गोइंग वेसल मानूं या ना मानूं मैं फॉरन गोइंग वेसल मानू इससे मानना ना मानने से फर्क क्या पड़ेगा हम तो अतिथि देवो भवन में फ्री सप्लाई कर रहे हैं यहां मानू कि ना मानू यहां इस लोकेशन पे मानू कि ना मानू पहले इसका जवाब दे दो विद इन टीडब्ल्यू आई है यहां पर जो भी मैं स्टोर सप्लाई करूंगा अगर आपने कहा <laughs> अगर आपने कहा कि भाई ये फॉरन गोइंग वेसल है फिर तो ये स्टोर सप्लाई डीम्ड सप्लाई बन जाएगी और टैक्स फ्री सप्लाई होगी और अगर आप कहते कि गोइंग वेसल नहीं है तो यह सप्लाई विद टैक्स यहां से करी जाएगी आप बताओ आप क्या चाहते हो अमेरिका का जहाज आया है टीडब्ल्यूआई आई में खेल रहे हैं जो तेल की सप्लाई करोगे उस तेल पर टैक्स लगाओगे या नहीं लगाओगे अतिथि देवो भव सर हमें नहीं लगाना हमें नहीं लगाना आपको नहीं लगाना तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको ये डीम्ड एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है आप इसे बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट तभी ये आपका टैक्स फ्री यहां पर हो सकता है ठीक है और टैक्स फ्री करवाने के लिए आपने इसको फॉरन गोइंग वेसल बनाना ही पड़ेगा द आंसर इज आपका जवाब मुझे चाहिए प्लीज अतिथि देवो भव जब टीडब्ल्यू आई में हमने इसे फॉरन गोइंग वेसल बना दिया तो बताइए यहां पर जो स्टोर सप्लाई करेंगे अब क्या है अब क्या वादे इरादे चेंज हो जाएंगे जी नहीं सर हमें यहां पर भी इसको डीम्ड एक्सपोर्ट बना के चलना है और इसी के चलते हुए हम इसे टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं सर मेन है कि सप्लाई टैक्स फ्री होनी चाहिए इसलिए इस, इस लोकेशन पर भी इसे हम फर्ण गोइंग वेसल मानकर चलेंगे <coughs> यहां पर जो फ्यूल सप्लाई की जा रही है इसको भी हम टैक्स फ्री ही करवाना चाहते हैं इसलिए मालिक इसको भी यहां पर फर्न गोइंग वेसल माना जाएगा तो कहना क्या चाहते हो क्रक्स क्या है क्रक्स ये है कि जो नेवल वेसल है ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट वो ऑलवेज ऑलवेज वो आपका एफजीवी माना जाएगा फॉरन वो लोकेशन कोई भी हो एनी लोकेशन लोकेशन जो मर्जी रही हो फर्क नहीं पड़ता है वो आपका ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज यहां पर माना जाएगा फॉरन गोइंग वेसल आई बात थारी समझ में आ गई होगी हाँ बोल दो रे हाँ। ठीक है सर जी आगे बढ़ते हैं भूरा <coughs> आगे क्या बोलता है <coughs> आगे बात करते हैं यहां पर आकर इन केस ऑफ ऑयल रिक्स की बात करी जा रही है और फिर कुछ फिशिंग विशिंग की भी बातें हमें यहां पे मालिक करके चलनी है ठीक है जी कोई बात नहीं सर <coughs> पहले फिशिंग की बात करते हैं आपने देखा है फिशिंग वेसल कैसे होते ऐसे ये जहाज है और साइड में मछलियां पकड़ रखी हैं कितना भाई साहब कलाकारी है यहां पर आकर है ना ऐसी मोटी मोटी मछलियां जिन्होंने दबा रखी हैं ठीक साहिब तो फिशिंग वेसल का आ ये ऑयल का हो गया और अगले पेज पर फिशिंग वेसल फिशिंग वेसल की लोकेशन तीन जगह हो सकती है यहां हो सकता है ये इन टी डब्ल्यू आई यहां हो सकता है ये और आपका ये इधर साइड में यहां ईजेड e e के बियॉन्ड भी हो सकता है हमें बस इतना बताइए कहां पर आप चाहते क्या हैं आपकी चाहत के अनुसार लॉ बना दिया जाएगा क्या इस वाले फिशिंग वेसल को आप जो भी स्टोर वगैरह अगर सप्लाई किया जाता है तो उस स्टोर को आप फ्री ऑफ टैक्स सप्लाई करवाना चाहेंगे या नहीं जो चाहते हो पहले चाहत बताइए उसके बाद बात बनेगी इसको अगर स्टोर सप्लाई किया तो उसका क्या सीन अगर इसको किया तो क्या सीन और अगर इसको कर दिया तो क्या सीन जवाब दीजिए आप हमें तीन पोजीशन आपके यहां पर बनाकर रख दी गई है ठीक है सर एक बात बताओ पहले हमारी बात का जवाब दीजिए अगर यहां से यहां पर मछलियां आती हैं फिश आती हैं तो क्या उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी ओ oh यस yes. क्योंकि यह घटना आपके यहां पर इंपोर्ट बनती है हाँ बनती है इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाएगी गुड ये जो आपका यहाँ से मछलियाँ लेकर आए तो तो यहाँ से जो मछलियाँ आएंगी टी डब्ल्यू आई के बाद से वो भी आपकी इम्पोर्ट बनेगी उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी लेकिन यहाँ से जो मछलियाँ आएंगी उनका क्या सर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग पाएगी क्योंकि ये आपका इम्पोर्ट ही नहीं बन पाया ये इंडिया से इंडिया में ही आ रहा है तो आपके दो कमाने वाले बच्चे हैं ये कमाऊ बच्चे हैं ये भी हमारा कमाऊ बच्चा है ये कुछ कमाके दे रहा है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ये निकम्मा है ये कमा के नहीं दे रहा सरकार को आप किसको टैक्स फ्री आप किसके ऊपर अपने बेनिफिट्स लुटाओगे जो भी स्टोर आपने इसको सप्लाई किया उसका क्या जो स्टोर आपने यहां सप्लाई किया उसका क्या जो स्टोर आपने इसको सप्लाई किया उसका क्या क्या आप इसको टैक्स फ्री दिलवाना चाहोगे या नहीं हां सर कमाऊ बच्चा दो इसको टैक्स फ्री दिलवाना चाहोगे या नहीं हां सर कमाऊ बच्चा है दो इसको टैक्स फ्री दिलवाना चाहोगे या नहीं नो no, सर इसको तो विद टैक्स देना है हमें तो मुझे बताइए किस किस पे ठप्पा लगा दू फॉर ठप्पा लगा दो गोइंग वेसल का इस ठप्पा लगा दो तभी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा लेकिन ये आपका फॉरन गोइंग वेसल नहीं है कहना क्या चाहते हो <coughs> कहना ये चाहते हैं दैट इज फॉरन गोइंग वेसल वो बनेगा फिशिंग वेसल में कि जो आपका लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया और यहां आउटसाइड इंडिया का मतलब है आउटसाइड द टी डब्ल्यू आई जो टी डब्ल्यू आई के बाहर लोकेट कर रहा है वो आपका यहां पर फॉर्न गोइंग वेसल बना दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे हाँ सर जी एकदम ठीक कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है <coughs> बताइए साहेब कौन सा है? बताइए अरे बोल दो ठीक सर जी अब जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ी सी खतरनाक बात है हम बात करते हैं यहां पर अपने ऑयल <coughs> रिक्स की पिछले वाले केस में आइए व्हाट अबाउट ऑयल रिक्स दरअसल होता क्या है कि जो ऑयल रिक्स वाला एरिया होता है ई जेड में मैरिटाइम जोन एक्ट के मुताबिक वह आपका डीम्ड इंडिया कहा जाता है मैं बताएं कि यहां से अगर कुछ क्रूड पेट्रोलियम इधर साइड में इधर लाया जाएगा यहां पर आकर मुंबई कस्टम पोर्ट पर क्रूड पेट्रोलियम उसे वो इंपोर्ट बना कि नहीं बना हाँ सर इंपोर्ट बन गया इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी सर इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लग जाएगी गुड अच्छा ये तीसरा वाला यहां से जो भी पेट्रोलियम वगैरह आ रहा है क्या उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ना ना लगेगी ये जो आपका टी डब्ल्यू आई के बियॉन्ड लेकिन यहां पर जो ऑयल रिक्स है इसका क्या ये लोकेशन क्या है सर मेरी टाइम जोन एक्ट को लगा दीजिए मेरी टाइम जोन एक्ट को देखें तो उसके मुताबिक ये जो एरिया है ऑयल रिक्स वाला ये डीम्ड इंडिया में आता है तो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज इंडिया और जा कह रहा इंडिया से इंडिया में जा रहा है अगर इंडिया टू इंडिया जाएगा तो क्या इंपोर्ट बन जाएगा नहीं तो यहां से जो भी ये पेट्रोलियम गया वो मालिक अपना इंपोर्ट नहीं बन पाएगा इंपोर्ट नहीं बन पाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात यहां पर नहीं हो पाएगी तो आपका कमाऊ बच्चा सिर्फ एक ही है जो इम्पो ड्यूटी यहां पर दिलवा रहा है अब हमें आप बताइएगा आप किसको क्या बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं क्या इस वाले केस में जो भी स्टोर्स की सप्लाई है आप उसे टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं या विदाउट टैक्स क्योंकि अगर फॉरन गोइंग वेसल को सप्लाई किया तो टैक्स फ्री सप्लाई आपकी करा दी जाएगी ठीक है यहां जिसको स्टोर <coughs> सप्लाई किया गया उसका क्या करेंगे आप

वो हमें कमाकर नहीं दे रहा हम विद टैक्स देंगे यानी कि हमें ऐसे कोई जरूरत नहीं कि फॉरन गोइंग वेसल बनाया जाए और ना ही तीसरे वाले को वो भी कमाकर नहीं दे रहा है उसे भी फॉर गोइंग वेसल नहीं बनाएंगे अरे कहना क्या चाहते हो कहना मैं ये चाहता हूं दैट इज क्रक्स क्या है <coughs> क्रक्स ये है क्रक्स ये है कि जो आपका ऑयल रिक्स जो ऑयल रिक्स आपका सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है जो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है वो आपका ये आउटसाइड टी डब्ल्यू आई लिख दू सिचुएटेड आउटसाइड द टी डब्ल्यू आई है वो आपका यहां पर बन जाएगा लेकिन ध्यान दीजिए जो नहीं नहीं गलत हुआ ना जो सिचुएटेड ऐसे बोलूंगा आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और रिस्क रिक्स के केस में इंडिया कहां तक होता है अगर मैं मैरी टाइम जोन एक्ट को पढ़ के चलू देखो अगर आप देखोगे तो कस्टम एक्ट 1962 के मुताबिक ध्यान सुना मेरी बात कस्टम एक्ट 1962 में इंडिया की परिभाषा दी है टीडब्ल्यूआई तक उसके आगे मैरी टाइम जोन एक्ट है उसने कहा कि ऑयल रिक्स भी इंडिया है ई जेड वाले पोर्शन तक एक्सटेंशन दिया है मेरी टाइम जोन एक्ट ने तो ये परिभाषा में सिर्फ कस्टम एक्ट 1962 के मुताबिक पढ़ूं या कस्टम एक्ट 1962 प्लस मेरी टाइम जोन एक्ट दोनों को मिलाकर पढ़ी जाए अगर सिर्फ कस्टम एक्ट को देख के पढ़ता हूं तो आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है आउटसाइड टी आई। और अगर मैं मेरी टाइम जोन एक्ट को पढ़ के चलता हूं तो इसका मतलब है आउटसाइड ई जेड ई जेड के बाहर तो अब मुझे बता दीजिए क्योंकि इसमें उसमें रिक्स जो ई e जेड के अंदर है वो इंडिया ही है आप बात तो यहां पर आकर हमें ये देखना है कि भाई इसको सिर्फ कस्टम एक्ट के मुताबिक पढ़ा जाएगा या अलोंग विद मैरी जोन एक्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उसने कहा कि नहीं भाई अकेले नहीं पढ़ेंगे साथ लेके चले तो साथ लेकर ही चलेंगे इसको हम पढ़ के चलेंगे अलोंग विद मैरी जोन एक्ट तो इसलिए कस्टम एक्ट में भले ही लिखा हो आउटसाइड इंडिया लेकिन उसे मैरिटाइम जोन एक्ट के साथ पढ़ के चलते हैं तो आउटसाइड इंडिया का मतलब आउटसाइड मतलब, इंडिया है और आउटसाइड इंडिया मतलब आपका आउटसाइड ही यहां पर पढ़ा जाएगा अलॉन्ग विद मेरी जोन एक्ट क्या बोलते हैं पढ़ के देखिए जरा इन्होंने बोला एनी नेवल वेसल ऑफ ए फॉरन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइज ओके कोई दिक्कत नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं सर जी नेवल एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा है तो ठीक है अच्छी बात है ये बन गया लोकेशन कोई भी हो आगे बोलते हैं एनी वेसल एंगेज इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन इस लाइन को छोड़ना जरा हाँ जी एनी अदर ऑपरेशन आउटसाइड द टी डब्ल्यू आई अब जो आउटसाइड द टी डब्ल्यू आई है अगर मैं फॉर फिशिंग के लिए बात करूं फॉर फिशिंग के लिए बात करूं तो आउटसाइड टी डब्ल्यू आई ज इक्वल टू आउटसाइड टी डब्ल्यू आई ही आएगा क्योंकि तो उसमें मेरी जोन एक्ट का प्रोविजन ना लग रहा ऑयल के केस में लगता है ऑयल को बोलते हैं हाँ जी अगर मेरा ऑयल वाला अगर मैटर पड़ता है क्योंकि ऑयल रिक्स वाला एरिया ही तो डीम्ड इंडिया बन जाता है ऑयल के केस में बात करें तो आउटसाइड जो इंडिया है मतलब इनका सेंस हुआ आउटसाइड <laughs> जो टी डब्ल्यू ए लिखा है मतलब आउट साइड इंडिया और मेरी जोन एक्ट के मुताबिक आउटसाइड इंडिया का मतलब हो गया आउटसाइड साइड द ईज एड क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल रिक्स है वो इंडिया ही है राइट ओके सर जी एंड लास्ट वन इज एनी वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पज अच्छा किसी भी पर्पज के लिए बाहर जा रहा हो जैसे मान लीजिए कोई रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाला है यहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है मालिक या यहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ये अपना रेस्क्यू डिपार्टमेंट का जो वहसल है ये जा रहा है दौड़ रहा है इसका तेल निकल गया क्या इसे फॉरन गोइंग वहसल बुलाओगे नहीं बुलाओगे ओ या, 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 या बुलाया जाएगा क्योंकि इंडिया के बाहर जा रहा है अगर मान लीजिए इस बार इंडियन नेवी इंडियन नेवी का वहसल बाहर जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए क्या इस बार इसे एफजीवी नहीं बुलाएंगे ओ यस 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 तो कोई भी वैसा एयरक्राफ्ट हो अगर बाहर जा रहा है तो मालिक उसे यहां पर एफ जी बुला दिया जाएगा ध्यान दीजिएगा यह स्पेशल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड्स पार्ट में जिनका नाम दिया गया है ये वो नहीं है जो गुड्स या पैसेंजर को लाने ले जाने में इन्वॉल्व होते हैं जो गुड्स या पैसेंजर के लिए बने हुए ना मालिक वो आपके ऊपर आ गए ये वाले ये तो स्पेशल हैं नेवल वैसल हो गया फिशिंग वैसल हो गया ऑयल रिक्स हो गया या रेस्क्यू डिपार्टमेंट का वैसल हो गया ये वो हो गया अपने स्पेशल कैटेगरी में ये आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी प्रॉपर समय लगाकर हमने इसको डिस्कस किया मालिक ठीक है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे यहां तक की यह हमारी बात हो जाती है और यहां एक केस भी दिया हुआ है क्या भला अबन चिलीज ऑफ शोर यह क्या बोलते हैं यहां कहते हैं यहां पर आके अबन लॉइड चिलीज ऑफ शोर के केस में द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अबेन लॉ चलिज ऑफ श्योर वॉज एड्रेसिंग दशू एस टू वेदर ऑयल ऑलरिक्स एंगेज इन ईड कॉन्टेंटर उनका क्या रहेगा इसमें बताया गया कि भैया आउटसाइड इंडिया का मतलब आउटसाइड ही पढ़ा जाएगा तो आज की मुलाकात को यहीं तक रख के चलते हैं और आज के जो हमारे हाईलाइट्स हैं उनको मालिक एक बार यहां देख लेते हैं एक एक लाइन के अंदर चीजों को समझ लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कितना सीखा है ठीक है <laughs> स्पीड फाइन है आप मुझे बताइएगा तो गुड्स इन ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट से पहले हमने देखा था बॉन्डिंग जब हमें अपना गुड्स छुड़ाना नहीं होता तो बॉन्डेड वेयर हाउस में लेकर जाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी के तीन गुने वैल्यू का बॉन्ड भरते हैं और इंपोर्ट ड्यूटी उस वक्त नहीं भरनी होती क्लियर करा के लाभ लाते हैं तो डिबॉन्डिंग बॉन्ड कैंसिल होता है और इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है दो चक्कर लगते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक देखा अलग अलग सोर्स से पहुंचे इम्पोर्ट ड्यूटी भर दी भरने के बाद अब वहां से अपने गुड्स को क्लियर करा रहे हैं तो फिर भाई उसे एक्सपोर्ट कर दिया डायरेक्ट तो वहां से तो उसमें आपको रिफंड मिल जाता है उसे ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से जानते हैं ट्रांसशिपमेंट ट्रांसफर इन अदर शिप जो होता है ट्रांसशिपमेंट के नाम से जानते हैं और मुंबई कस्टम पोर्ट के लिए ट्रांसशिपमेंट बनेगा अगले पोर्ट के लिए वो लैंडिंग कार्गो बन जाएगा जहां पर लैंडिंग कार्गो बनेगा वहीं पर सारी रस्में और कस्में पूरी करी जाएंगी और गुड्स एंड ट्रांजिट में गुड्स आपका अनलोड ही नहीं होता वो बाय बाय टाटा करके बस वहीं से वहीं निकल जाता है फिर बताया मैंने यहां पर आकर बैगेज वाले केस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो अपने पर्सनल लगेज होता है उसको इंपोर्ट करने का एक तरीका स्पेशल बताया गया है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होते हैं एंड वहां पर कोई ये बिल ऑफ एंट्री वगैरह की बात भी नहीं करी जाती है ऐसे ही इम्पोर्ट बाय पोस्ट में आप घर बैठे रहते हैं घर पर ही पार्सल आ जाता है और जो इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके थ्रू ये सारी चीजें अपनी रूट आउट करी जाती हैं फिर हमने देखा ये एक्ट का नाम क्या है और वैसे तो ये टी डब्ल्यू आई तक सीमित है बट ऑफिसर अपनी पावर को टी डब्ल्यू आई के बियॉन्ड इंडियन कस्टम वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं असेसमेंट क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी लाइब्रेटी असेसमेंट होता है और इसमें ड्यूटी हम कई तरह से अपना क्वांटिटी बेस्ड हो या वैल्यू बेस्ड हो जो जो फैक्टर चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करते, करते हैं इंडिया है. मतलब अपटू टी डब्लू आई इंडिया है इंडियन टीडब्लू आई का मतलब क्या है वही बारा नोटिकल माइल तक का अपना टी डब्ल्यू आई है बे गल्फ क्रीक हाइकर रिवर सब इसमें वाटर बॉडी जो है सब इसका पार्ट मान जाती हैं इंडियन कस्टम वाटर जो आपका है मालिक यहां पर आकर वो दो सौ नोटिकर माइल जहां तक ई जेड फैला हुआ है वहां तक अपना ये इंडियन कस्टम वाटर है इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट है जो भी आप जर्नी पर यूज करने वाले हो वो आपका स्टोर्स है गुड्स में सब कुछ आ जाता है मूवेबल चीजें वैसे एयरक्राफ्ट भी आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आते जो एज ए कन्वेंस इस्तेमाल हो रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स जो नॉर्थ पोल में इंडिया के बाहर से आया लेकिन अभी क्लियर नहीं कराया गया कोस्टल क्या है जो इंडियन था या या फिर इंडिया के बाहर से और क्लियर कराया जा चुका था एंड अब वो यहां पानी पर घूम रहा है वन पोर्ट पोर्ट टू अनदर में उसे कोस्टल बोल देते हैं गुड्स जिस पर ड्यूटी बनती तो है बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है वो ड्यूटेबल गुड्स है प्रोहेबिटेड एक कंडीशनल प्रोहेबिटेड होते हैं एक अनकंडीशनल होते हैं जो अनकंडीशनल प्रोहबिटेडिट है, तो है लेकिन कंडीशनल प्रोहेबिशन में अगर कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है तो प्रोहेबिटेड बनता है अदरवाइज़ नहीं बनता इंपोर्टर जो इंपोर्ट करे सो इंपोर्टर या फिर जो नया ओनर बन रहा हो लेटेस्ट ओनर जो होता है नॉर्थ पोल में वो इंपोर्टर या फिर जो ढोल पीट रहा है बिल ऑफ लीडिंग के आधार पर कंसाइनमेंट एजेंट वो इंपोर्टर या जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो अपना इंपोर्टर बना दिया जाता है एक्सपोर्ट <clears throat> क्या है इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट गुड्स क्या है जो इंडिया के बाहर ले जाया जाने वाला है सारे कागजात पूरे किए जा चुके हैं फॉरन गोइंग वेसल जो आपके वेसल एयरक्राफ्ट गुड्स पैसेंजर को लाने ले जाने में हैं, वो आया है किसी भी लोकेशन पर जाएगा जो है आपका, होगा, इंडिया के बाहर होगा तो ही बनेगा फॉरन गोइंग वेसल फिशिंग वेसल टीडब्ल्यू आई के बाहर होगा आउटसाइड इंडिया होगा क्योंकि फिशिंग केस में मैरिटाइम जोन एक्ट नहीं लगता वो सिर्फ ऑयल रिक्स में लगता है टी डब्ल्यू आई के बाहर होगा तो बन जाएगा आपका ये यहां पर ऑयल रिक्स फॉर्न गोइंग वेसल इसके अलावा कोई और वेसल आपका किसी भी पर्पज से जा रहा हो इंडिया के बाहर उसको यहां पर आकर हम फॉर्न गोइंग वेसल का दर्जा दे देंगे ठीक है तो आज की मुलाकात बस इतनी और कर लेना कल चाहे बातें जितनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू है सो मच है बाय है टाटा है, है और लव यू है बाय बाय बाएं